ये मैम हम गुजरावाला में प्रोटेस्ट कर रहे थे और और ये पुलिस ने हमें हमें अरेस्ट कर कर लिया है 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 ठीक ठीक चलो अब ये जी बोले। है, बस हमें यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे गाड़ी में ले तो बिठा लेके मेरे साथ हैं मरीम नजीर साहबा तयबा साहिबा और न्यू डॉक्टर अनिका इसलम साहिबा इंडिविजली मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ मरीम साहिबा जो है वो सेव गाज़ा कैंपेन जो लास्ट टाइम पॉडकास्ट पे आए थे उनकी कम्युनिकेशंस और डिजिटल एज वेल एज़ फिज़िकल कम्युनिकेशंस के इंचार्ज हैं मैं करेक्ट मेरा साहबा जिन्होंने इसको क्रिएट किया था और लीड भी कर रही हैं डिफेक्टो ऑल द वो कहती हैं कि ये पब्लिक मूवमेंट है और मैं एग्री करता हूँ इससे इस बात पर कि बट ऑफ तो डिफेक्टो जो लीडरशिप है हम कहेंगे कि मैरा तेबा साहबा इन लीड करती हैं ऐसे वज़ा कैम्पेन को डॉक्टर नीका साहिबा जो हैं वो लाहौर में आपकी ऑर्गेनाइजर्स में से एक हेड है एक वारिस गिल साहब भी हैं अहबू गुरनास फाउंडेशन वाले बट उनको असिस्ट करने के लिए डॉक्टर साहबा होती हैं डॉक्टर साहबा की एक फन फैक्ट ये है कि मुझे उन्होंने अभी पॉडकास्ट से पहले इंकशाफ किया कि जिस तरह यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है उस तरह एक डेंटल स्टूडेंट्स की कोई एसोसिएशन नहीं थी और आपने क्रिएट किया पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डेंटल स्टूडेंट्स ऐसे ही है yes. और फिर उसके ऊपर एक बड़ी खूबसूरत बात आपने बताई कि की भी यही है एसोसिएशन ऑफ डेंटल स्टूडेंट्स और अब 2019 में मुलाकात भी होगी अपने उन बहनों से जो फलस्टीन से right, okay. uh, मुलाकात हुई थी जी. तालीम के सिलसिले में वो आए होंगे या किसी uh, नहीं वी मेट ऑनलाइन बिकॉज आई वाज वर्किंग एज रीजनल एम्बेसडर फॉर एशिया पैसिफिक रीजन इन द इंटरनेशनल एसोसिएशन तो ऑफ कोर्स देयर वर पैलेस्टीनियन एंड डेंटिस्ट एंड डेंटल स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल वर्किंग इन देयर ओन रिस्पेक्टिव एसोसिएशन सो वी वर वर्किंग टुगेदर माशा तो लेडीज़ जो हैं वो आई हैं वापस फॉलोअप uh, एक डिस्कशन आप कह लें उसके लिए कि अब सातवां महीना चढ़ गया है और गाज़ा में जो बरबरीत है और ल्म है वो जारी है और उस पर जो एक म्यूटेड मैं तो म्यूटेड तो अब हो रहा ही नहीं है मेरा ख्याल है मेरा साहब अब तो वो बिल्कुल एक गंगा सा एक रिस्पॉन्स बन गया कि जो मुसलमान ममालिक से ख़ास तौर पर जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं क्लासिकली पाकिस्तान सऊदी अरेबिया टर्की टू नेम अ फ्यू और इजिप्ट ऑबियसली और जॉर्डन जो बॉर्डरिंग ममालिक हैं उनकी साइलेंस अब डेफिनिंग से कुछ एक और एक स्टेप आगे बढ़ गई है है ना न मेरा ख्याल है यही एक तो अब सिविल सोसाइटी आम लोग आप हम सोशली ऑर्गेनाइज करके कैसा रहा है अब तक एक्सपीरियंस क्या फ़ीडबैक मिला है कोई हेडवे बनाया है लोग बड़ा कंप्लेंट करते हैं कि यार प्रोटेस्ट करके क्या कर लेते हैं आप लोग या सोशली ऑर्गेनाइज करके क्या कर लेते हैं लेडीज एनीम अच्छा आपने अमान ये जो पहली बात कही कि सोसाइटीज़ uh, जो मुस्लिम माशरे हैं वो नहीं कर रहे प्रोटेस्ट लेकिन अभी आपने देखा कि रिसेंटली जो हुआ कि अरब कंट्रीज़ में तो डिक्टेटरशिप है बहुत बुरी तरह से और उनको तो सिवाय मस्जिद में दुआनू पढ़ने के एक झंडा तक उठाने की इजाज़त नहीं थी लेकिन अब भी अब उनका भी सबर का पैमाना ख़त्म हो गया और उन्होंने भी आपने देखा कि जॉर्डन में इतने बड़े 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 प्रोटेस्ट हुए इजिप्ट में हो गए तो मैं तो समझती हूँ कि बेदारी मुसलमानों की अंदर है और जहाँ तक पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं जिसको हम तेरह नवंबर से अपनी कैंपेन शुरू करके हम उनको बुला रहे हैं कि आप आएँ दो ही आपके मेन रोल्स हैं एक प्रोटेस्ट है एक बाइकआउट है तो मैं समझती हूँ कि एक काफ़ी यानी कि स्लो प्रोसेस है लेकिन हमें बहुत कुछ इसमें सीखने को भी मिला है और हमें ऐसे ऐसे इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं जो कि हमें हैरत होती है कि पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर इतना पोटेंशियल है इतना पोटेंशियल है और लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जिस तरह से इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं मेरा ख़्याल है कि सिविल सोसाइटी की ये मूवमेंट अगर कुछ बहुत बड़ा अचीव यानी इन, नहीं कर सकती जो आप कहें कि आपने जो गोल्स रखे हैं गवर्नमेंट से डिमांड्स रखी हैं वो पूरी नहीं हुई लेकिन उसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी का एक रोल सामने आ रहा है एक ट्रेनिंग उसकी हो रही है सिविल सोसाइटी को जो एक अपने एक कहना चाहिए कि अपने ऊपर एक अतमाद पैदा हो रहा है ये ख़ुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अभी रिसेंटली हम मैंने पहले लाहौर इस्लामाबाद के दो बड़े धरने जो हमारे हुए और बहुत कामयाब गए उसके फ़ौर बाद मैं रमज़ान में ही कराची गई वहाँ हमने गवर्नर हाउस के बाहर जो धरना किया हमारी कराची की टीम बहुत छोटी थी लेकिन एकदम से जिस तरह से हमें इतने ऐसे लोग मिले आप यकीन करें कि ख़ातून जो डी एच ए में अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इतने बड़े पैमाने पे कैंपेन कर रही थी कि वो बड़े बड़े स्टोर्स को बल्क में पूरा वो जो वो उनको कर रही इसी तरह से बहुत से लोग आज हम लाहौर आए लाहौर का लो जी रादर देन के तुम जब स्टोर कहते हैं कि हमें जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो अच्छा इसी तरह हम लाहौर आए तो हमें यहाँ पर ऐसे ग्रुप्स मिले हैं ऐसे इंडिविजुअल्स मिले हैं जो कि अपनी ज़ाती हैसियत पे इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि वो जो पोटेंशियल सिविल सोसाइटी के अंदर है बहुत ज़बरदस्त है उसको कम अज़ कम हम निकाल रहे हैं बाहर उसको वो सामने आ रहा है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ रहा है दे रहे हैं यानी आज हमें जो एक ग्रुप मिला वो बच्चे जो थे जो जो लोकल बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट खुद उनके लिए कैम्पेन्स कर रहे हैं लाहौर के अंदर जी तो उनके लिए एडवर्टाइज़ यानी कोई भी लोकल मुतबाद कोई के एफ सी कोई इस तरह का तो उन बच्चों, वो बच्चे फ्री एडवर्टीज प्रोड्यूस दे रहे हैं बिल्कुल करके दे रहे हैं और बहुत ही अच्छी जबरदस्त क्वालिटी है उनकी उनके पास जो क्वालिटी चीज बना के दे रहे अभी रिसेंटली उन्होंने In contrast with McDonald's, I I don't know if Is simply Sufi needs a free ad, but I understand sentiment ट उनका अच्छा The concept. है मैं तो आपको बताऊँ मैं तो local company से बहुत disappointed हुआ जो बड़े हमारे बुर्ज हैं बड़े brands हैं Sufi हो गए Gourmet हो गए पंजाब में इनकी नेक्स्ट collab होगी इनकी तरफ से बड़ा म्यूटेड रिस्पॉन्स रहा है कि ये भी हिम्मत नहीं पकड़ पा रहे कि भाई ये एक्चुअली हो रहा है यू you नो know, एक प्योरली यूटिलिटेरियन परस्पेक्टिव से भी देखें तो इनको तो लपक के यू नो मार्केट में आ जाना चाहिए कि जनाब ये हमारी पैलेस्टाइन कोला है ये हमारा पैलेस्टाइन बॉक्स है या वडेवर खैर ये एक सेपरेट एक लंबी डिस्कशन है हम बी डी एस की तरफ भी आएंगे वर्कआउट की बात में लेकिन अभी आपने इस्लामाबाद का जिक्र कर दिया रमज़ान का <laughs> अब पिटाई करवाई हैं बच्चों की माँ पे तो <laughs> कैसा रहा एक्सपीरियंस पहले सिट इन प्रॉपर प्रोटेस्ट का रमजान में वो भी रोजे की हालत में रमजान में तीन सिटी हमने किए इस्लामाबाद में कराची जाके किया आप कितने बजे जाते थे बज जा असर के वक्त जाते थे नहीं नहीं हम दो बजे बल्कि अच्छा। जो दूसरे, दूसरी बार जो हमारा था चूँकि हमें था कि दूसरी बार तो हमारा मतलब पक्का ये था कि आज हमें अरेस्ट होना है और मेरे बच्चे तैयार थे की इस दफा अम्मी ने घर पर नहीं होना ईद पे तो उसके लिए हम तो पूरा प्रिपेयर होके गए थे हमने जो पहले से अपना कुछ हिफाजती हमने किताबें डाल के गए थे <laughs> तो हम 12 बजे नहीं 2 बजे का टाइम हमने पब्लिक के लिए दिया हुआ था लेकिन हम खुद अपनी कुछ तैयारी के लिए हम 12 बजे गए थे तो हम 12 से लेकर रात 8 बजे तक वहीं पे इफ्तार और वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता अगर बात करें जो पहला प्रोटेस्ट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था वहां पे मुश्ताक साहब एक्स सेनेटर मुश्ताक साहब हामिद मीर जो मरूफ जर्नलिस्ट हैं वो भी आए और भी सिविल सोसाइटी से बड़े लीडर्स आए वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन भी थी आपकी कि पुलिस ऐसे रिएक्ट करेगी वो आके डे पर सागी बच्चों पे लड़ाई करेगी चीजें तोड़ेगी अस्सलाम वालेकुम असल का आपसे वादा है कि हम कभी भी किसी का आपको पेड चूरन नहीं बेचेंगे और अपने कंटेंट को म्यारी रखेंगे जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन स्पेस के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो बहुत मुख्तलि शक्लों के हैं और वो अजीब अजीब किस्म का चूरन बेच रहे होते हैं पेड पॉडकास्ट होती हैं स्पॉन्सरशिप होती हैं वगैरह वगैरह तो हम कभी भी आपको चूरन नहीं बेचेंगे अगर ऐड भी दिखाएंगे किसी प्रोडक्ट का तो कोशिश होगी कि वो एक जायज प्रोडक्ट हो जो से आप आप इस्ता ले सकते हैं और कोई किसी काम की चीज हो तो हमारी दो जायज़ अर्निंग के सोर्सेज हैं कि हम एड चला सकते हैं और आप जो मेंबरशिप्स परचेज़ करते हैं इसमें आपकी सपोर्ट हमें दरकार है हमारी वेबसाइट खोल के हमारी मेम्बरशिप परचेज़ कर सकते हैं आप जिसके अंदर चार लाइव जूम सेशनस हैं और मजीद हम उसके अंदर ऐड करते रहेंगे वैसे जो आप पब्लिकली कंज्यूम कर रहे हैं हमारा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये अभी भी, भी फ्री है और लॉन्ग टर्म भी फ्री ही रहेगा तो अगर आप वेबसाइट खोल के हमारी मेम्बरशिप लेंगे जो उसकी मुक्रा फीस है अगर आप वो अदा कर दें या उससे बढ़ के दैट वुड बी नाइस नहीं हम पहले से तो बिल्कुल भी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन हम जैसे ही गए थे जब शुरू किया था क्योंकि नॉर्मली हमारा तरीका था कि अक्सर सबसे पहले मैं पहुंचती थी ये हमारे मेन ऑर्गेनाइजर्स में से जो हमारे बच्चे हैं वो आ जाते थे तो हम इसी तरह हम तो उसी तरह से गए थे दो चार लोग थे मेरे साथ मेरे दो बच्चे थे और कुछ और ये आप जो जो बच्चे 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 कह रही हैं यू आपके जो बच्चे हैं आपके सगे जी जी मेरे अपने बच्चे। जी जी। 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 <laughs> तो हम तो बड़ के बहुत उसी इतने गए कि जैसे हर दफा हम प्रोटेस्ट के लिए जाते हैं इस दफा हमने चूंकि धरने की कॉल दी हुई थी तो हम लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो वो जाते साथ ही जिस तरह से उन्होंने हमारी गाड़ी कब्जे में ली और पुलिस आ गई और हमें भी गाड़ियों में डालने की उन्होंने कोशिश की गाड़ी छीन यानी हमारी साउंड वाली गाड़ी जिसके अंदर वो स्पीकर्स होते हैं इसका अगर मैं आई में अगर कर, याद करूं तो लिखा हुआ था वो एक हफ्ता थावी साउंड सिस्टम जी जी, जी <laughs> <laughs> और मुझे पहले ये बताया <laughs> ये में आपकी लिखा हुआ था कि साउंड सिस्टम लेके गए थे ये लाइट वाला साउंड सिस्टम और हैवी वाला कौन सा होता है

आई थिंक एट दिस पॉइंट हमें भहसे पाकिस्तानी शहरी अब वो एक वह हेसि मार गई हमें आदत ही होगी कि ये तो ऐसे ही करेंगे अब तो शायद इसलिए हम जोक कर पा रहे हैं लेकिन है तो बहुत ही बुनियादी तौर पर खौफनाक नहीं हम तो इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इस अलार्मिंग सिमटम है कि अनआर्म्ड सिविल सोसाइटी के फैमिलीज़ बीवी बच्चों वाले लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ एक जनरल प्रोटेस्ट के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं फिलस्त से मुतिक जो आमतौर पर एक वो इस्लामी टच वाला चूरन बना के हमें बेचा भी गया है नेशन स्टेट की तरफ से जब कन्वीनियंट होता था जैसे कश्मीर बेचते थे हमें कि यार कश्मीर के लिए हम करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे अब जब वो उस फल को तोड़ने का वक्त आया है हम कह रहे हैं कि हाँ भैया अब कुछ करना है तो आप लोग डिसहार्ट होते हैं मतलब तो पुलिस आके बटाई कर रही है या और हिम्मत पकड़ अच्छा डिसहार्ट होने की आप यकीन करें कि मुझे तेरह नवंबर से हमने कैंपेन स्टार्ट की हुई थी ना और हम लगे हुए थे छोटे छोटे प्रोटेस्ट प्रेस क्लब पर और जाहिर है कि वो स्ट्रेंथ हमें नहीं मिल रही थी और जब हमें लगा कि इतना नंबर हमारा हो गया और ख़ास तौर पर जब हमारे साथ हमारे वो बतौर पैटर्न हमें ज्वाइन किया कुछ अच्छी मजबूत शख्सियात ने तो हमें इतनी ताकत मिली और हमने फ़ौरन सिटिन का की कॉल दी धरने की कॉल दी उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ तो आप यकीन करें कि मुझे दिल से बहुत शदीद खुशी हुई है। नहीं। मैंने कहा कि अब तो असल में हमारी कैंपेन आज स्टार्ट हुई है मुझे ऐसा लगा ये बहुत बड़ी बात है कि हमें सीरियस लिया गया है और मैं ऐसे बहुत खुश थी व्हाट डू थिंक आपने कौन सी ऐसी नर्व स्ट्राइक की थी, स्टेट की स्टेटिस की उनको इतना डर क्यों लगा था इस बात से

उन्होंने आपको वर्जिश करने की नियत से या क्या, मतलब इफ्तारी से पहले ही क्या? रैली कर रहे थे जो कि पुरमन हमारी रैली थी उससे पहले हमने पूरा रोड को ब्लॉक भी नहीं किया हुआ था लेकिन उसके बावजूद पुलिस का इस तरह का जो सामने आया कि उन्होंने बकाया बहुत पाइप पाइप वाले डंडे थे डंडों के आगे पाइप लगे हुए थे जिससे उन्होंने हमारे बच्चों को

क्योंकि सैफ गज़ा के साथ जिन्होंने वॉल्टियर के तौर पर यानी वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं मेरे बच्चों मेरे अपने बच्चे हैं तो उन सब का जो जोश और जज्बा अगली दफ़ा के लिए था तो वो बहुत ही ज़्यादा यानी वो ये कह रहे थे कि हमें हमें अगर हमने एक डंडा खाया तो हम दो दो तीन तीन भी खा सकते हैं लेकिन हम पुराम प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम हुकूमत से जायज़ मुतालबात कर रहे हैं हमें इसे पीछे नहीं हटना और अगले ही जो हमने धरने की कॉल दी नेक्स्ट सन्डे को उसमें पहले से ज़्यादा लोग आए और इस्लाम से बाहर के लोग आए लेकिन अगली दफ़ा जो है पुलिस बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी और हम जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद पहले से ज्यादा हो गया होगा तो वो बिल्कुल भी ऐसा सीन नहीं हुआ बल्कि पुलिस ने बिल्कुल यानी जैसे एक तरह से हार मान ली ये ये अब अजीब सी एक आपको नजर आती है एक डाइकोटमी कि पहले वो बिल्कुल आके हमला होते हैं और नेक्स्ट डे आप लोग के के नंबर्स देख आपको लगता है क्या वजह वो स्टैंड डाउन क्यों कर गए मुझे ये लगा कि उनको लगा कि वो जितना कर सकते थे उन्होंने कर लिया अब

उन्होंने जो अपना कार्ड प्ले किया ना फ्रॉम द गेट गो वो गलत प्ले किया कि वो हम जो ही पहुँचे हैं तो जो एस एच ओ साहब हैं वो कहते हैं कि डी चौक आपकी मर्जी से नहीं चलेगा आपको याद होगी ये बात तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया भाई डी चौक तो हमारी मर्जी से चलेगा दिस इज़ आवर सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद आवर गवर्नमेंट कि हमारा हक हाँ है एंड देन उसके बाद वैन द रियलाइज और उसी वक्त हमने लाइव वीडियोज़ चलाना शुरू कर दी एंड दैन द प्रेस केम एंड दैट्स वैन दे रियलाइज कि हमसे गलती होगी कि ये चीज़ वायरल हो गई hmm. कि ये एक ऐसा इशू है इट्स अबव पाकिस्तान कि अगर इसमें हम मक्खियों के छत्ते में जब उंगली डालेंगे ना तो इट्स गो ना गो वायरल एंड लिटरली अगली दफ़ा जो देवर स्माइलिंग एट एंड देर लिटरली उनके स्टान से पता लग, लग रहा था कि दे आर जस्ट ऑन अक फुट लीनिंग बैक आई थिंक और जब हम उनको hmm. अफ्तारी भी दे रहे थे तो देर नॉट टेकिंग इट दे लाइक देखे ना हमारी भी नौकरियाँ हैं

कि उनको भी स्टैंड लेना चाहिए अपने हायर अप्स के अगेंस्ट जब वो आ, ऐसी कमांड्स उनको देते हैं बिकॉज़ वेदर इट्स गुड और इविल इट बोथ नीड हार्ड वर्किंग पीपल टू प्रोपेगेट तो अब ये जो लोग आ, साथ दे रहे हैं उस इविल का फॉर एग्जांपल बाय इविल आई मीन दिस पर्टिकुलर थिंग बिल्कुल जी इविल अगर डंडे मारना आ, अनाम लोगों को जी इनोसेंट लोगों को तो आई थिंक उनके लिए एक मैसेज है कि इफ दे रियली फील लाइक दिस तो उनको इकट्ठे होना चाहिए एक दूसरे की सपोर्ट बनना चाहिए अगेंस्ट देयर हायर अप्स एंड द रीज़न आई मैं दिस इज बिकॉज वंस वी अरेंज अ प्रोटेस्ट एट चौक एंड द लोकल एस एच ओ ही एक्चुअली जॉइंड ओवर प्रोटेस्ट दिस वॉज थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएँ अक्टूबर एंड में एंड ही सेट के आर जॉइन यूर प्रोटेस्ट एज वेल एंड आल कम ही केम एज वेल और जो वहाँ पे कुछ पुलिस के लोग थे दे सेट के इन फ्यूचर जब आप ऑर्गेनाइज़ करें प्रोटेस्ट तो आप हमें बताएं हमारी ड्यूटी नहीं भी होगी तो हम स्टिल आपकी हेल्प करने सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वहाँ पहुँच जाएंगे सो so, आई थिंक ये चीज़ तो हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिल ही रही है कि दे आर वर्किंग अगेंस्ट अस तो जो इन्हीं में बिकॉज हम तो एक एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो एक प्रेशर पुट कर सकते हैं या किसी तरीके से उनको इस पेज पे ला सकते हैं कि हम आपका ही हिस्सा हैं वाई आर यू वर्किंग अगेंस्ट अस लेकिन आई uh, थिंक उनको मिल के ख़ुद भी और फिर uh, लाहौर की आप बात करे थे सो uh, so, uh, एक तो मैंने आस्पेक्ट बता दिया um, बाकी आई uh, थिंक एक बहुत जो आपने स्टार्ट में भी बात की कि जो प्रोटेस्ट्स हैं uh, इससे क्या होगा या हाउ पीपल रिएक्ट एंड ऑल ऑफ दैट तो उसमें यह है कि वन एवर आई थिंक लाइक दिस बिकॉज आई आई थिंक कम आउट ऑन रोड माई सेल्फ एवरी अदर वीकेंड एंड सम अदर पीपल लाइक मी तो मैंने खुद ये हर हफ्ते सवाल मेरे भी जहन में आया है इट्स नॉट लाइक आई हैव नॉट थाट अबाउट इट मगर फिर मैंने उसकी ऑपोजिट देखा है एंड उसका ऑपोजिट यह है कि कोई भी नहीं कुछ भी नहीं कह रहा नो बडी स्पीकिंग अप तो वो इतनी एक uh, खौफनाक पिक्चर नज़र आती है कि इंसान कहता है कि दैन इट मीन्स नो बडी इन पाकिस्तान स्पीकिंग आप अगेंस्ट इट तो फिर आप रियलाइज़ uh, करते हो अपनी एक पर्सनल लेवल पे रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज आई थिंक इन द एंड एज मुस्लिम्स वी बिलीव के हमसे uh, जो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है वो लोग हैं वो चीज़ें हैं जो हमारी जुरिस्ट्रिक्शन में आती हैं सो बी आंसरेबल अबाउट दैट जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है आपकी जुरेस्ट्रिक्शन बढ़ती है योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज एट्सट्रा लेकिन राइट uh, नाउ right जो मेरी कैपेसिटी है आई हैव टू बी डूइंग दैट बिकॉज uh, uh, एक बड़ी अमेजिंग बात क्योंकि अभी इधर बात हो रही थी कि जैसे आई कॉमेंटेड के इफ्तारी से पहले उनको शायद सवाब ज़्यादा हो रहा था तो वन थिंग uh, जो मेरे बैक ऑफ माइंड में चल रही थी वो ये थी कि वी हैव दिस कल्चर जहाँ पे हमें लगता है कि इफ़ यूर प्रेइंग टू गॉड फॉर एग्जांपल जैसे इवन फ़लस्तीन के केस में लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग यू के आप द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ इज़ दुआ कोर्स इट इज़ और दुआ की इंपॉर्टेंस को तो आप निगलेक्ट ही नहीं कर सकते बट अल्लाह ताला हिमसेल्फ इट्स इंसुर मोहम्मद एज वेल अल्लाह ताला सेज़ के इफ़ यू विल सपोर्ट हिम ही विल सपोर्ट यू एंड अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इंसान एक दफ़ा पहले तो चौंक जाता है कि हाउ कैन वी एज ह्यूमन सपोर्ट अल्लाह ही इज़ द क्रिएटर वाई इज़ ही आस्किंग आज टू सपोर्ट हिम So, uski ek badi understanding istana bhi when in Surah Baqarah, Allah Taala says that, "You, human, ke, know that O Muhammad I'm quoting the Mufoom of, of the Ayahs, uh, when they ask you about me, tell them I'm near to you. And then uh, when my uh, people, my servants, they pray to me, I listen to them and I respond to them. Not just listen to them, I respond to them." दैन अल्लाह ताली पुट्स अ कंडीशन साथ ही डॉ स्टार अपनी तफसीर में भी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि दिस साथ ही अल्लह पुट्स ए कंडीशन के अब सुनते किसकी हैं सो यू नो बिकॉज वी प्रे एंड वी थिंक अल्लाह तला तो सुन रहे हैं एंड ही कैनो यू नो लिबरेट पैलेस्टाइन तो वो साथ ही कंडीशन बताते हैं कि आप में फॉर एग्जाम्प इज़ के ईमान के ईमान ले आओ एंड सो बेसिकली लिंकिंग दैट नाउ टू अवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने वो एफर्ट इन करनी है तो हमें वो सपोर्ट मिलनी है जिसका हम सिर्फ शायद हाथ उठा कर इंतजार थिंग वी कैन डू नो हेल्पलेस मल्टीपल हैं आपने जो बात की माशा कि आपने फरमाया कि जो लोग इन पोजिशन में होते हैं पुलिस में हो कोई अथॉरिटी फिगर्स हों साहब हों ए सी साहब हों हो, कोई बड़े पार्लियामेंट के मेम्बर्स हों वो इस चीज़ की आड़ में उनको छुपने की अब गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि वो कहें कि यार हमें तो ऑर्डर आया हमें तो बड़ों ने कहा था हमें तो हमारी जमहूर ने कहा था कि यार नहीं यार ये नहीं करना या ऐसे करना है या डंडे मारो इनको या अरेस्ट करो आई थिंक ये एक्सक्यूज़ अब अनडिनाइबल हो चुका हुआ सोशल मीडिया एज के अंदर कि अगर आपको आपकी ड्यूटी पर आपको आपकी पोस्ट पर अगर कोई नाजायज़ हुक्म दिया जा रहा है कोई जुल्म करने को कहा जा रहा है आप बड़े आसानी से सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक से अपील करके आप आ, अगर आप ये लास्ट आप कह लें स्ट्रॉ के तौर पर पहले आपके पास सौ कानूनी तरीके हैं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने अप हायर अप्स को कहें कि नहीं हम नहीं पार्टिसिपेट करते थे। आपने वो एग्जांपल भी दी कि स्टार्ट में वो लालक चौक में एक ए एस पी साहब या एस एच ओ साहब ने साहब ने आप, आपके साथ प्रोटेस्ट में शामिल भी हुए तो ये जवाज़ नहीं रहा आप कि नहीं जी मुझे तो हायर अप्स ने कहा है मुझे तो हुक्म आया है मुझे तो ऐसे आया है ये अब एक्सेप्टेबल नहीं रही बात कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ तो हमारे रास्ते में रुकावट ना बने और इसके पीछे आप नहीं छुप सकते कि मैं इनफरादी तौर तो पे तो फिलिस्तीन के साथ हूँ लेकिन असल में लेकिन मेरी एक जॉब है और मेरी एक वो सारा कुछ क्योंकि उन लोगों की भी जाने उन लोगों की भी जॉब्स थीं उन लोगों के भी कारोबार थे तो वो तो उनके लिए एक मिनट में सारे उनके हाथ से छिन की सारी चीज़ें तो अगर आप उस दर्द के थ्रू नहीं जाएंगे कम अज़ कम इवन एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर तो आप कभी भी उनके साथ नहीं खड़े हो पाएंगे अगर आपने इसको लिंक किया कि उस ऐमानियात के उस हिस्से के, इस के साथ कि अगर दुआ मांगनी है अगर कुछ चीज़ हासिल करनी है अल्लाह से तो वो माहौल भी पैदा करना है वो इसबाब पैदा करने है कि यार हम रेडी हैं या अल्लाह हम 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 हर मटीरियल मिलटरली हर एतबार से हम खड़े हैं मैदान में कि आपके जो मज़लूम साथी हमारे साथी हैं मुसलमान उनके खिलाफ़ हम यह नहीं सहेंगे हम मतलब को बाजियाब करवाएँगे वग़ैरह वगैरह वो फ़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते आज भी तेरी नुसरत को निकलेंगे कितार अंदर, कितार बाहर जी थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा हाँ। सा सिर्फ नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ ठीक है नहीं अच्छी बात है कि आप अगर माहौल पैदा करेंगे फ़िज़ाए बदरी पैदा करेंगे तो फिर फरिश्ते उतरेंगे नुसरत के लिए ये बिल्कुल बात दुरुस्त है और डू यू थिंक अब वो बिल्ड हो रही बिकॉज आम तौर पर पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी तो बिल्कुल ही एक नॉन एग्जिस्टेंट एडेंटिटी रही है हिस्टोरिकली और इन मामलों के ऊपर जनरली बस एक सोशल जेस्टरिंग की हद तक की चीज़ें हो जाती हैं इस बारी पर्टिकुलरली बड़ा सन्नाटा था बड़ा मतलब डैमिंग किस्म की क्रिमिनल किस्म की साइलेंस थी इस बारी पर्टिकुलरली सियासी पार्टीज़ भी अच्छी तरीके से नहीं ऑर्गेनाइज कर पाए छोटे छोटे या बड़े पैमाने पे सस्टेन्ड प्रोटेस्ट नहीं थे वह था एस्पोरेटिकली एक लीडर ने कर तुम कर दो एक लीडर ने और कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं ही हो पाए इस मामले के अंदर अगेन ये एक पोस्ट नाइन्थ में फिनमिनान भी है कि ज़रा एक आवाम के अंदर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अतबार से एक डर भी बैठ के है लेकिन फ़लस्तिन से मतलब इस चीज़ का डर तो ओवरकम हो जाना चाहिए था ना क्या वजह आपको क्या फील हुआ है कि लोग ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी नहीं थी सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी क्या आपको जितने आपको लोग मिल रहे हैं आम आम सिविल सोसाइटी के अंदर से आ, वो क्या फीडबैक दे रहे हैं कि हम क्यों अब सामने आए हैं अब हमें क्यों क्या वजह बनी कि हमें मौका मिला है क्या वजह थी कि ये ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे सात महीने इज अ लॉट ऑफ टाइम नहीं अच्छा मुझे तो आ, यही समझ में आया पहले दिन से ही मतलब जो हमें लग रहा है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है सिविल सोसाइटी की किसी इस तरह की बड़ी कैंपेन की और कोई कल्चर भी नहीं है जिस तरह हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जिस तरह से उनकी सिविल सोसाइटीज़ बड़े मनज़म अंदाज से निकलती हैं और अपने गोल्स अचीव करती हैं प्रेशर बनाती हैं तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है कोई ऐसा कल्चर नहीं यानी, है वो की हाँ, ही नहीं यानी, यानी कि वो, वो माइंड ही नहीं है पाकिस्तानियों का वो कहते हैं यानी उन्होंने अपना आप दूसरों को बेचा हुआ है

बेचने का इस्तेमाल किया के लिए निकलना जो है नाज के, के साथ करनी थी हाँ, मतलब नहीं है कि भाई कॉज को देखो और कॉज के लिए खुद से निकलो आपको पता मतलब है पीटीए वाले फिलिस्तीन की पोस्टों के नीचे भी कमेंट करते हैं जी जी के अगर इमरान खान आजाद होता है या अगर फ्री इमरान खान मतलब ठीक है आपकी कहना बिल्कुल जायज मुताबा है

मुख्तलिफ से, सेमिनार्स होते हैं बच्चों से मिलने का इंटरेक्शन का मौका मिलता है तो आप यकीन करें कि पिछले दिनों की एक यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में मैं थी तो आखिर में क्वेश्चन आंसर्स हुए तो एक बच्चे ने वही सवाल किया जिसको मैं, मैं चाह रही थी कि हो इसलिए कि हर दफ़ा होता है कि प्रोटेस्ट से कुछ होगा तो नहीं मैंने कहा बेटा अगर आप ये सवाल ना करते तो मेरे पूरे लेक्चर का और मेरी सारी इस आज की एक्टिविटी का कोई फ़ायदा ना होता इसलिए कि मुझे पता है कि आपके जहन में जो ये सवाल है यहाँ बैठे हुए हर बच्चे के ज़ेन में यही सवाल है और जब तक तो आप उसको अपनी ज़ुबान से बोलेंगे नहीं ना क्योंकि हर मेरी नाइन्टी एट परसेंट पाकिस्तानी जो हैं उनके जहन में यही सवाल है कि होना तो कुछ नहीं है प्रोटेस्ट से होगा तो कुछ नहीं तो ये वो असल चीज़ इसको हमने एड्रेस करना है और मैं इससे बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ सबसे ज़्यादा हमारी उम्मीद अपनी नौजवानों से तो <laughs> नहीं मतलब पाकिस्तान हाँ, जैसे मुझे आप एक, बेक, बेक, एक, एक 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 में देखिए लॉन्ग टर्म टर्म होता होता है है शॉर्ट आपको कैश रिजल्ट मिल जो खींच के ले आई यूरोप में عوام को किसी भी कॉल के बगैर लंदन में अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में बड़े बड़े शहरों में बड़ी अवानों के सामने लाखों की तादाद में किसी पब्लिक कॉल के बगैर बट वो ऑर्गेनिकली ख़ुद ब खुद वह ऑर्गेनाइज हो गया और वो वहाँ क्या चीज़ है वो अब उसकी रूट कॉज में ये मसला भी है कि पाकिस्तान के अंदर एक हिस्ट्री है कि आपने मांगा और कुछ नहीं मिला ठीक है ठीक है आपकी गलत ट्रेनिंग हो गई है लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात कर दी कि हम नकद नहीं एक्सपेक्ट करते कि कैश रिवॉर्ड मिल जाए बच्चे फ़ौरन निकल आए और क्या इसमें एज मच एज प्रोटेस्ट करना पाकिस्तान की अवाम और यूथ को एजुकेट करना भी मकसद है जी कोई भी कैंपेन होती है उसमें तो अवेयरनेस और एजुकेशन के बगैर तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकती अगर आप एक दिन हफ्ते में एक दिन प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो आप छः दिन पीछे उनकी अवेयरनेस कैम्पेन्स कर रहे होते हैं आप उनके साथ जाके बातचीत कर रहे होते हैं तो जाहिर है कि दबी तो जब तक आप उनके उनके जहन को पढ़ेंगे नहीं उनके ज़ेहन में आने वाले सवाल का जवाब नहीं देंगे तो कोई भी कैंपेन आगे नहीं बढ़ सकती इसमें भी कॉमेंट आएगा नीचे जी कि मैंने फलाने स्पीकर को सुन लिया था कि प्रोटेस्ट से कुछ भी नहीं होता

कि आप ये कहें कि आप देखें कि इस तरह इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते नेल्सन मंडेला ने कितने अरसा जेल काटी है और अगर हम अपने सियासी मकासद के लिए भी एक दो रातें जेल में गुजार लेते हैं तो हम कहते हैं कि बस अब तो हमने हद कर दी है मतलब इससे आगे तो कुछ है ही नहीं मैं इसमें एक तो चीज़ याद करूँगी इजाजत से सो सवाल यह है कि आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द पीपल जो ये सोच रहे होंगे सेम सवाल कि अभी तो हम फॉरगेट अबाउट किस नंबर की बात करें किस एरिया की बात करें हमारी क्या एसोसिएशन है उनसे आपकी अपनी फैमिली में एक नाजायज़ कत्ल हो जाता है आप क्या करेंगे मैं आपको कहती हूँ आप रोज़ कोर्ट जाएं आपको कोई फायदा नहीं होगा आप क्या करेंगे वैसे मैं आपको एक जवाब दूँ वैसे ये जो थोड़े से दही इलाके के लड़के लड़कियाँ होंगे ना ये थोड़े से जरा वो कहेंगे कि हम उस बंदे को ढूंढ के मार देंगे तो इट मीन्स डू यू नो वट दैट मीन्स ये तब ये उस माशरे में होता है जहाँ पे जुडिशल सिस्टम्स वीक हों उस माशरे में पीपल आई एग्री डू टू रिवेंज रूल ऑफ लॉ इसको अगर कहीं पे स्टेट ना हो तो उस जगह पे हम इसको रेजिस्टेंस का नाम भी दे सकते हैं जैसे कि फ़लस्तीन में हम रेजिस्टेंस मूवमेंट्स कहते हैं इनको खैर जो बात मैं करी थी वो ये थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल बट इन एनी केस आप कुछ ना कुछ करेंगे सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आप उनको मुसलमान होने के नाते ब्रदरहुड में शरीक समझते हैं या नहीं बिकॉज एज अ muslim हम तो ये uh, जो बॉर्डर की डी मार्केशन है उनमें बिलीव नहीं रखते ना वी डो नॉट बिलीव के uh, इस बॉर्डर के उस पार अगर कोई मुसलमान है तो वो मेरा बहन या भाई नहीं है और अगर हम वाकई में इस ब्रदरहुड में बिलीव बिलीव हमारा स्ट्रोंग है तो इट मीनस कि अभी अब मैं बात करती हूँ नंबर्स की इट्स कोटेड नियरली फोर्टी थाउजेंड ऑन सर्टन मीडिया चैनल्स बट इट्स इजिली वे बियॉन्ड दैट द नंबर इज़ बिगर बिकॉज देर सो मैनी अनरिपोटेड नंबर्स अब उनके लिए अगर कोई ये पूछ रहा है ना मुझसे कि uh, क्या फ़ायदा होगा सो इसका मतलब है आप उनको अपना कुछ समझते ही नहीं हैं आप वो दर्दी महसूस नहीं कर रहे इट मीन्स के वो कोई पराया है जिसके लिए शायद आपने आवाज़ उठानी सो इन दी एंड आपका ज़मीर ही इस बात की इजाज़त नहीं देगा इवन इन केस ऑफ बॉयकॉट आई रिपीटडली से दिस थिंग द फर्स्ट रीज़न टू बॉयकॉट इज़ नॉट के फायदा क्या बॉय काट इफ गॉड सेक द फर्स्ट रीज़न इज़ कि मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मेरा एक पैसा भी किसी की जान ज़ाया कर इस्तेमाल हो सो so,

go गो सो फार एज टू से दिस इज़ वेपनाइज सास जी बड़ी अच्छी बात और इस silence को जो पाकिस्तानी नहीं तोड़ रहे या जो पाकिस्तानी अवाम नहीं आ रही अगर हम इसके reasons में जाना शुरू करें जैसे आप लोगों ने कहा बिल्कुल there आज दिस रीजन देर इज दिस रीज़न एज वेल के जुडिशल प्रोसेस में ना ट्रस्ट नहीं है कॉन्फिडेंस नहीं है जी। लेकिन एक और चीज़ जो है वो ये कि हमें किसी ने हमारे हकूक सिखाए नहीं ऐट एवरी सोशल लेवल बहू और सास की ये तो बातें तो होती ही रहती हैं बाप के क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशनल क्या एवरी सोशल लेवल हमें किसी ने कभी कोई हकूक सिखाया नहीं एंड आई डेयर से टुडे द पर्सन और दर्गनाइजेशन जो पाकिस्तानियों को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल right रिखाएगा ना ही विल बी द्रॉस फायर ऑन हिज़ बैक विद द टारगेट ऑन हिज़ बैक जो लोगों को on ये बताएगा कि उनके राइट्स हैं क्या एंड हाउ टू गेट दैन थ्रू द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन देट इज़र आर्चिंग काफ़ी मजे के खुल गए तीन चार टेंजेंट्स बट पहला वाला अगर उस पर हम फोकस करें ना जब आप फरमा रही थी कि ये सवाल लोगों के दिलों में काफ़ी आता है और आपने प्रोटेस्ट क्यों करें क्या क्या फ़ायदा है क्योंकि लोग रूल ऑफ लॉ से मायूस हैं रिजल्ट नहीं मिलते पोलिटिकल प्रोसेस से या डेमोक्रेटिक प्रोसेस से रूल ऑफ लॉ नहीं है कानून का आपने मिसाल जो दी मैंने आपको मजाक से कहा कि कई लोग कहेंगे यार बंदे नुमारो मतलब हमारे वालदा बचपन में कहते थे कि तुम्हारी अगर घर के साथ कोई मामला हो लेडीज़ का या कोई इस तरह का कोई आपको हरासमेंट वगैरह का तुम में से एक बंदे को माराए और वो फिर जाके जेल काट ले बाकी भाई उसके घर वालों का ख्याल रख लेंगे ये बायदा हमारे वालदा हमें सबक दिया करते थे तो बिकॉज ही न्यू ग्रोइंग अप यहाँ पे क्या माहौल है यानी अगर कि मेरे को बहन को छेड़ दे या कोई इस तरह मामला हो जाए मेरे भाई का कत्ल हो जाए तो अजूठ सी बात होती है कि यार हाँ जी माजल्ला मैं बिल्कुल एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ बंदे को मार आओ और बाकी भाई जो है तुम्हारा घर संभाल लेंगे दिस तो आइडिया इज़ वेरी प्रेवलेंट हमारे माशरे के अंदर अगर आप इसको हिस्टोरिकली देखें आपने दो बातें की कि ट्रस्ट नहीं करते और दूसरा कि क्या वो पैमाना जो है कि ये मेरे बहन भाई हैं क्या वो रियल भी है कि नहीं यानी एज नहींर्ड स्टेक अगर उसको देखें क्या वो एक, एक सिर्फ एक एक ख्याली पलाव है या उसके अंदर एक्चुअली कोई दम है हिस्टोरिकली जो लोग कंसर्न थे इसके साथ वो ख़ुद उठ के इराक गए वो ख़ुद उठ के अफगानिस्तान गए हैं बॉजनिया गए चचनिया गए हैं एड वर्कर बन के सोशल वर्कर बन के और स्ट्रेट अप शिहादी तंजीमों में जाके मलेशिया ज्वाइन किए लोगों ने ये किया है हमारी ये एक हिस्ट्री है मुसलमानों की और खास तौर पर पाकिस्तान की क्लासिकली क्या होता था फ़र्क ये था कि स्टेट का कुछ ना कुछ अपराटस इन चीज़ों को एड और सपोर्ट कर रहा होता था द मिनिमम ब्लाइंड आई के जरिए कि चलो जान दो एट द मैक्सिमम ये होता था कि बाकायदा जिस तरह अफगानिस्तान की सोवियत जिहाद की अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें तो स्टेट का वेस्टेड इंटरेस्ट था चले कहते हैं जियो पोलिटिकल अलाइनमेंट थी स्टेट की इस बार ये अनफॉर्चुनेट इतफाक ये हुआ है कि हम क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक के ऐसे जाके कुछ में घुसे हैं कि बिल्कुल उनकी बगल से हमने बाहर नहीं आना अब कि अब इसराइल वाले मामले में क्योंकि हमारी फॉरन पॉलिसी बहुत ज़्यादा वेस्ट से और सऊदी अरेबिया से और यू ए डिक्टेट होती है तो उन्होंने क्योंकि इब्राहिम अकॉर्ड्स पर इतफाक़ कर लिया तो अब हमें भी सॉर्ट ऑफ इतफाक़ करना पड़ रहा है ये जो ये आखिर ये खामोशी क्यों वाली जो ये फिज़ा बनी हुई ना यहाँ पे वो असल में बुनियादी तौर पे इसका पस मंज़र तीन चार पाँच साल पुराना है इसका पस मंज़र इब्राहम अकॉर्ड्स पे इसकी बुनियाद डलती है जहाँ हमारी टोटल एक पॉलिसी शिफ्ट आती है आप कह सकते हैं कि बदतद्रीजन हुआ ये मुशरफ साहब ने आके कहा कि पाकिस्तान फर्स्ट तो कश्मीर का जिहाद बंद और अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन और फलान और टींग और बट जो सीमेंटिंग फैक्टर था ना वो इब्राहिम अकॉर्ड्स थे इब्राहिम अकॉर्ड्स को हम कहते हैं वो देखो अरब जो है अक्सर हमारी ड्राइंग रूम टॉक क्या होती है अक्सर मजहबी ग्रानों में क्या होती है कि अरब बर्बाद हो चुके हुए हैं वह अरब वाली हदीस सुनाते हैं वो तो अब कभी सुधर नहीं सकते देखो बर्बादी आ गई उनकी उन्होंने लेकिन ये ड्राइंग रूम टॉक्स आपके अब आपके पब्लिक फोरम्स तक आ गई हैं कि उनके इब्राहिम अकॉर्ड्स आपकी मुल्क की फॉरन पॉलिसियाँ अब इसमें छोटी सी बात है जी जी सिंस बेसिकली आप बात करें हैं हमारी हेल्पलेसनेस की उसकी के, के, उसके क्या उसके लेवल्स के हैं या वजूहत के हैं मेरे ख़्याल में ये सेम जो जितनी बातें आपने की है ना इन्हीं सब में हमारी स्ट्रेंथ्स भी हैं किस तरह व्हेन वी से हम वेस्टर्न कल्चर या आइडियोलॉजीज के कीचड़ में हैं तो एट द सेम टाइम उन्होंने हमसे बेनिफिट पास्ट में भी किया है और फ्यूचर में भी करना है चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे वो मैन पावर हो वर्क फोर्स हो लेबर एट्सट्रा यू नेम इट तो दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम अस इन द पास्ट दे आर बेनिफिटिंग राइट नाउ एंड दे विल बेनिफिट इन फ्यूचर ये तो वो बात होगी कि जिसमें हम इवन उन्हें बेनिफिट दे रहे हैं मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी अगर आपका कोई एम्प्लॉई है ना एम्प्लॉई भी छोड़ देते हैं स्लेव है कोई आपका अगर सारे स्लेव्स एहतजाज करें ना तो उनके मास्टर्स को भी उनकी बात सुननी पड़ती है हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने खुद को वो उससे भी कुछ नीचे दर्जे का समझा हुआ है दे आर ओवर बेनिफिशरीज एज वेल हम, <laughs> तो uh, well. हम इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो बात होती है ना अक्सर के फॉर uh, एग्जांपल हम ये भी नहीं कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते आई थिंक हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा अगर हम सारे मिलके सिर्फ उनको आंखें दिखाएं शोर हम ये कर देंगे सही बात ऑल मुस्लिम कंट्रीज ओनली से और ये बेर मिनिमम ऐसी आपने स्लेव की एग्जांपल देखी अगर उनके राशन कम हो ना गुलामों के तो कम से कम वो इतनी खप डाल सकते हैं कि उनकी रोटी के दो के बजाय तीन हो जाए इतना वो कर सकते हैं तो ये कलेक्टिव दो बिलियन वाली चीज को ना मैंने अगर आप उस हदीस को भी ले लें कि तुम समुद्रों की झाक कितना हो गए बहुत तादाद में हो गए लेकिन तुम्हारे अंदर वाहन होगा मौत का डर जिंदगी की मोहब्बत और यार समुद्रों की झाक भी इकट्ठी हो जाए तो दो बिलियन दो बिलियन होते हैं और दो बिलियन में से ढाई सौ मिलियन इज़ अ वेरी बिग नंबर एक कार्टूनिश नंबर है सो देर इज़ अ वे टू ले असल में वो बात है कि बुनियादी तौर पर एक हम एक पैराडाइम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमारी जो स्टेट अपरेटस है सिविल लीडरशिप है सिविल आप कह लें आपकी जो इलीट हैं आपके माशरे के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बिजनेस इंटरेस्ट रखने वाले फौजी लीडरशिप सिविल ब्योक्रेसी जुडिशल लीडरशिप उन्होंने इतफाक कर लिया इस बात पे कि वो पीपल से अपनी पावर नहीं ड्रा करना चाहते प्रॉब्लम ये है कि वो आपको एज एस एसेट नहीं देखते आपको एज ए रिसोर्स देखते हैं टू बी एक्सप्लॉयटेड वो अपनी पावर ड्रा कर रहे हैं पावर के इंटरनेशनल हलकों से अमेरिका आई एम एफ वर्ल्ड बैंक इन इदारों से आप बात समझ रहे हैं ना आप अपसाइड डाउन पिरामिड के अंदर आप बेसिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी वो आपको ताकत का बेस बना के वो भी एक किस्म का जुल्म ही है कि आपको ताकत का बेस बना के आपसे यू नो आपको एक्सप्लॉट करना जी बुनियादी तौर पे ये हमारे बुनियादी तौर पे अगर हम इस पैराडाइम को नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि जो पी वाले हैं मिसाल के तौर पे वेस्ट बैंक के अंदर जो गवर्नमेंट है जो हमारी आई डेयर से पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इस्टेबलिशमेंट है ये हमारे केयर हैं ये वाइस रॉय हैं ये वाइस रीजेंट्स हैं वेस्टर्न इंटरेस्ट के और ये शुरू से प्रॉब्लम है पाकिस्तान का ये इंडिया का भी प्रॉब्लम रहा है ये हर छोटे उस मुल्क का जो कलोनीलिज़म के कुंजे से बाहर निकला है उस 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 उन शैकल्स को तोड़ के निकला है असल में कलोनीलिज़म की फ़िज़िकल ऑक्यूपेशन ख़त्म हो गई थी ये मटेरियल इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन जो हमारी मिलिट्री ऑक्यूपेशन वो जारी है फिजिकली गोरे यहाँ से एक्सट्रिकेट कर गए अपने आप को बड़ी मेहरबानी है उनकी लेकिन अब वो अगला मरला जो है मैं समझता हूँ मैं तो अक्सर लोगों को बात प्राइवेट में भी कहता हूँ पॉडकास्ट में कि सात अक्टूबर को हमास ने फ्रांस वो आर्च डूक फ्रांस फर्डनैंड को कत्ल कर दिया फ्रांस याद है आर्च डूक उसके बाद उसको मार दिया तो पाउडर का एक फट गया पर असल में उन्होंने जो ग्लोबल ऑर्डर है जिसके अंदर हम पचहत्तर साल से हमारा जो एक्सपीरियंस है छिहत्तर साल का पाकिस्तान का उसके डायरेक्टली दिल में जा उन्होंने वार किया और वो आप समझिए कि ये लास्ट वो सॉर्ट ऑफ नेल इन द काफिन था वो कुछ वक्त से बेचारा वो आस्ता 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 हार हारी जा रहा है हिम्मत हार रहा है लेकिन इराक़ की बारी और अफग़ानिस्तान की बारी भी हमारा यही रिस्पांस था ये यही पाकिस्तान था जब मुशरफ़ ने एक सुबह कहा कि हम इनको उड़ा देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं किया प्रोटेस्ट हुए लोग लड़े लोग कलदम तनजीमों के अंदर शामिल हो गए पाकिस्तानी ही गए थे ये पी टी टी पी वगैरह ये पाकिस्तानी लोग ही थे मजोरिटी इनमें से तो नेट रिजल्ट लोगों को नहीं मिला और वो फ़िलिस्तीन जो फिज़िकली इतना दूर है ना आपसे प्लस इसमें एक और एस्पेक्ट भी है बाय द वे कि मशतलकसा का नैरेटिव हमारे यहाँ स्ट्रांग नहीं है ये बड़ी एक रियलिटी है हमारे लोगों को नहीं पता मशतलकसा क्या है डोम ऑफ द रॉक क्या है ये पूरा टेम्पल क्या है ये तस्व हमारे ने इस पर इतनी वर्किंग नहीं की डॉक्टर सरार ने काफ़ी मेहनत की थी ने मौदूदी साहब का इस पर काफ़ी काम है लेकिन कन्वेंशनल जो आपके मेन स्ट्रीम के मिलमा हैं इस पर उनकी वर्किंग है ही नहीं।, नहीं हमारे लोग इसको तसवर भी नहीं ले पाते कि रसुल्ला ने अक्सरीत जिंदगी अपनी इसकी, 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 इसकी तरफ इसको किबला बना के नमाज पढ़ी है अक्सरीत अपनी ज़िंदगी की रसुल्ला ने इसकी तरफ नमाज पढ़ी है किबला अवल जिसको कहते हैं तो ये नेरेटिव बिल्डिंग वो राइट्स की जो ट्रेनिंग है सिविल लिबर्टीज़ की ट्रेनिंग है ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी क्योंकि सिविल इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे वो पोस्ट कॉलोनियली एक तो वो कॉलोनियलिज्म के ज़माने में फ़ेल कर गए उसके बाद ये नए मुल्क बने तो हमने जब तमीर नौ करनी थी वो हम कर नहीं पाए देर इज़ अ सीरीज़ ऑफ फेलियर्स तो सेव गाज़ा अपने आप को क्या देखता है एज एज एन एजुकेटर सोशल ऑर्गेनाइजर एक्टिविस्ट ये सारे काम कर लेंगे इकट्ठे लें। <laughs> <coughs> At the first of all, at the risk of sounding a bit

देखें कि उनकी तो पिछले कम से कम 100 साल से प्लानिंग है हमारी तो प्लानिंग ही नहीं हुई हमने पनीरियाँ लगानी है पनीरियाँ इज़ द वर्ल्ड राइट तो व्हाट आई एम ट्रूली सेइंग कि हमारे जो सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड जिसपे उन्होंने काम किया इट्स आवर माइंड्स टू कन्विंस आर कि वी आर द लूजर्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हमने कुछ करना नहीं है जहाँ तक जो अपने मुसलमान हैं वो उनको जो हमें एटलीस्ट इन द सब कॉन्टिनेंट जो इस्लाम की पिक्चर मिली है वो ये है कि इस्लाम इज़ अ प्रोफेशन टेकन ओवर बाय द मोलवीज एंड उनको रियल लाइफ से उनकी कोई कनेक्शन नहीं है सो दे आर इरेलीवेंट सो एक ऐसी सी हालत एंड दे हैव हॉलीवुड एंड दे हैव ऑल दिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड दे हैव दे आर द बिजनेस हब्स एंड इट्स यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड एंड देन दिस इज़ द दूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये जो इसका एक हवा बना हुआ है ना आपके दिमाग में इट इज नथिंग सेफ गजा कैंपेन कहाँ पर अपने आप को देखती है जहाँ जो एक तो ठीक है हमारी प्रोटेस्ट हो रही है एक हम इन शह अवेयरनेस कैम्पेन की तरफ काम करें यू कैन से आई वु जैक मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स वी आर ट्राइंग टू इनशाला इसमें कई डिफरेंट फ्रंट्स पे हम लोगों की एक किस्म से तरबियत भी हो रही है अवेयरनेस के अंदर तरबियत भी हो रही है ठीक है हम प्रोटेस्ट कर करें बट दिस इज प्रॉबलीफ द फर्स्ट टाइम्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री के पा किसी पोलिटिकल पार्टी ने कॉल नहीं दी एंड वी आर कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट फॉर सम बडीज डवन शेयर आवर बॉर्डर पहली बात और इतने लंबे अरसे की पहले बात बड़ी है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों के लिए नहीं किया जा रहा को किसी स्पोर्ट्स बोर्ड के खिलाफ नहीं ये हो रहा यू you नो know, बड़े एक एबस्ट्रैक्ट आइडिया है और उसके मल्टीपल फैसेट्स हैं कि एजुकेशनल है एक्टिविज्म है ट्रेनिंग है और फिर लॉबिंग uh, भी कर रहे हैं जाके स्टार्ट में तो मुझे याद है माशा आप वक्त के सलाउद्दीन असलाउद्दीन अनवाराकड़ साहब को भी मिले थे इंटरम प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर सो दिस इंटर एम आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट जमातों का बैक वक्त काम कर रहे हैं कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कम्प्लीटली सोशली खुद ऑर्गेनाइज करके विद मिनिमम टू नो रिसोर्स मैं आपसे एग्री करता हूँ कि पोलिटिकल पार्टीज हैव हैवीदर फेल्ड या उनको स्पेस ही नहीं दी गई जी बड़ी वेपनाइज साइलेंस वाली बात बिल्कुल ठीक है कि वो फॉर वट एवर रीज़न सियासी किसी मफाद के पीछे <coughs> या पोलिटिकल प्रेशर के चक्कर में लोगों ने इस मामले में साइलेंस ही इख्तियार किया तो आप लोग इतने आउट गंड हैं इतने आउट मैंड हैं मैं एग्री करता हूँ आपसे और आउट वमेंड मैं वही बात करना चाह रहा था कि फिर ये कोई मर्दों की भी गुंजाइश है इस जमात में मुझे तो लेडीज़ ही नजर आती हैं ज्यादातर आप इसका जवाब दें और इससे काफी लोग ऑफ भी हो जाते हैं कि नहीं यार फिर ये लेडीज का क्या काम है हमें यू you नो know, हमें भी मौका दिया जाए हम क्योंकि मतलब दोनों ने कोई ना कोई किरदार अदा करना है मर्द और खुत नॉट दैट के मैं नाराज़ हूँ कि ख़्वीन ने है रोल लिया आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि सिविल इन मामलों के अंदर एक्टिविज्म के अंदर खातन एक फ्रंट रोल में आए बिकॉज uh, वो एक वॉइस हैं जो अंडर रिप्रजेंटेड होती हैं और वो एक सॉफ्टवेयर इमेज लेके आती हैं इस गुफ्तु के तरफ हूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी मूवमेंट में मूवमेंट

बहुत ज़्यादा तादाद उनकी बढ़ गई है और वो समझती हूँ मुझे बहुत ही मैं प्राउड फील करती हूँ आप यकीन करें कि वो सारे बच्चे जिस तरह से मतलब इतने जज्बे के साथ और इतनी सरफरोशी और जानसारी के साथ के के साथ साथ नए नए आइडियाज के साथ वो आ रहे होते हैं और हमारी जो ग्राउंड एक्टिविस्ट से हैं हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के अब ये है कि तकरीबन सिर्फ पिंडी इस्लाबाद में आप देखें तो ढाई सौ तीन सौ बच्चे हैं हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे साथ ग्राउंड एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और वो वही है जो फ्रंट पर डंडे खाने के लिए भी तैयार है और वही है जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रमोशन भी कर रहे हैं कैंपेन की अवेयरनेस भी दे रहे हैं वो फ्लैश प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं यहाँ तक कि वो ईद की छुट्टियों में अपने मॉस्टल से जब एक हफ्ते की छुट्टियों में गए हैं तो वो भी वहाँ भी उन्होंने सुकून से बैठ के ही वक्त गुजारा तो बच्चे जिस शहर के थे ना यकीन तरीके हमें पूछते थे कि ईद की छुट्टियों में ये होता रहा कि आंटी मैं जगह लगाकर हूँ और मैंने अब वहाँ जाके ना अपनी अपनी कैंपेन जो है वो वहाँ स्टार्ट करनी है अपने इलाके में अपने शहर में तो वो ईद की छुट्टियों में भी वो फ्लैश प्रोटेस्ट और वो मटेरियल मांग रहे हैं हमसे ब्लैक कार्ड्स मांग रहे हैं डिजाइन मांग रहे हैं प्रिंट करा रहे हैं वहाँ जाके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोटेस्ट को तो मैं समझती हूँ कि बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है और अब हमारे पास जो जो क्राउड है 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 उसमें मेल फीमेल का तकरीबन एक बराबर वो ठीक है अब हैसियत माँ आप देखती हैं कि मैं कौन के बेटे बेटियों को मोटिवेट करूं कि वो इस कॉज के लिए खड़े हुए और आई थिंक मेजॉरिटी केसेस में यही हो रहा है कि लोग को मोटिवेशन से ज्यादा प्लेटफॉर्म की जरूरत है क्योंकि काफ इनफरादी तौर पे जिस तरह आपने भी फरमाया था कि लोग खुद वेट कर रहे हैं कि कभी कुछ हो आप जिस तरह आप खुद सोच रही थी कि अब अगला क्या होगा कुछ भी नहीं हो रहा कोई बाहर नहीं आ रहा कोई सवाल नहीं पूछ रहा तो आई थिंक विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा भी मकसद आपको दोबारा दोबारा बुलाने का यही है कि विजिबिलिटी क्रिएट हो कि लोग जो अपनी जिनके पास कोई नया आइडियाज़ हैं बच्चे बच्चियाँ बड़ी उम्र के भी हों कोई उनके पास कोई इनपुट है टू एड कोई उनके पास बहुत ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट है सेलिब्रिटी फिगर हो जाएँ कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुन्सर हो जाएँ तो वो इसको देख के अपना अपने साथ इनपुट दें और क्योंकि आपने कहा कि ये तंजीम नहीं है कोई ये मूवमेंट है तो ये कम्प्लीटली ओपन है टॉप टू बॉटम रसाई क्लियर है कि आप कभी भी कोई अगर अच्छा मशवरा आ जाए तो वो उसको आप एक वोटिंग के ज़रिए आप उस चीज़ को वो अपने उसमें मैंडेट में मैमबिट में ऐड कर लेते हैं तो हमें उस आप कह लें इम्पीडस की उस ड्राइव की ज़रूरत है विजिबिलिटी के थ्रू तो विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा मकसद है एंड गोल्स अगर डिफ़ाइन करें क्योंकि ये जो कम्प्लेंट करते हैं ना लोग के जी औरतें क्यों हैं प्रोटेस्ट का क्या फ़ायदा अक्सर उनके पास ये भी आखिरी उनका जो ट्रंप कार्ड होता है कि कभी एंड गोल्स के हैं आप लोगों ने क्या उखाड़ लेना है वहाँ पे कौन सी कोई मिलिट्री इंटरवेंशन हो जाएगी या कौन सा वहाँ पे कोई जंग बंदी हो जाएगी देखें अब इसराइल पर ईरान ने पे भी उन्होंने हमला कर दिया है तो ये तो बस बदमाश हाथी की तरह है ये तो जो मर्ज़ी करे इसके पीछे अमरीका खड़ा है बहुत मुख्तलिफ एक पूरी पैडेड सी वो एक गुफ्तु शुरू कर देते हैं इसके अंदर और भी इतने ज़्यादा लेयर्स और पॉइंट्स होते हैं बट लुबे लाभ ये है कि एंड गोल्स क्या हैं इन माइंड

वो मतलब आप देखें कि वो कितनी छोटी चीज़ है कि जब छः महीने से ज़्यादा गुजर गए हमारे थर्टी एट थाउजेंड जो अगर आप नंबर ये ले लें जबकि इससे भी कहीं ज़्यादा होगा लोग हमारे शहीद हो गए वहाँ पे मतलब खुराक नहीं है पानी नहीं कर बला का जो लफ्ज़ मतलब जब सोचते हैं तो लगता है कि वही लफ्ज़ हमें जहन में आता है कि जो गज़ा के अंदर जो तो सूरत हाल है कि इलाज नहीं है पानी नहीं है रोज़ शहादतें हो रही हैं और मतलब दुनिया ने छोड़ा हुआ है मरने के लिए

जब तक ये लोग जो नेगेटिव कमेंट्स नहीं करते आके सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो नंबर्स नहीं अचीव होंगे कि आप वो मुतालबात छीन के ले सकें क्योंकि उसके लिए आपको नंबर्स चाहिए स्ट्रीट पावर चाहिए पर वो क्या करने से क्या होगा। <laughs> ये बड़ी तो सही तो बात ये बड़ी सही, सही बात किया। सबसे कम रिस्पांस किस पॉलिटिकल पार्टी से आता है दैट्स अ लोडेड क्वेश्चन सर के सामने मेरे ख्याल है पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनको पता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके लिए गजा कभी uh, कोई इशू नहीं रहा जिसकी जुबान से कभी उसके लिए कोई बात नहीं सुनी गई ये कोई ऐसी चीज नहीं है लेकिन फिर भी उन पार्टीज के अंदर भी मैं समझती हूं कि कुछ ना कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सपोर्ट कर रहे हैं इंफरादी तौर पे

हम चाह रहे हैं दोबारा इरादा है कि हम एक दोबारा से एक ग्राउंड टेबल बुलाएं और अपनी तरफ से भी मुजज जरूर पूरी करेंगे कि हम फिर से पार्लियामेंटेरियंस को भी पॉलिटिकल फिगर्स को भी उलमा को भी यूथ्स में जो काम करने वाले लोग हैं उलमा तो में अच्छा तो रिस्पांस तो आया कि नहीं आप लोगों को मैं समझती कि उलमा कभी है इसमें काफी बड़ा है इनकी कॉल अगर वो कॉल दे मेरा ख्याल सबसे सीधा रास्ता तो ये है कि की तरफ से अगर ऐसी कॉल आती है नहीं है अब तक कोई अच्छी बड़ी कॉल पहले कि हम समझे उनकी अपनी अपनी पोजीशन के मुताबिक वो असल में देखते हैं इन चीज़ों तो जो उन्होंने अपने लिए एक समझे कि माशरे में एक किरदार सेट किया हुआ है और ज़ाहिर है कि वो उन्होंने एक सोच समझ के ये जो उनकी भी इल्म और उसके तजुर्बे के मुताबिक उन्होंने अपने लिए माशरे में एक किरदार तय तो किया पोलिटिकली अपने आप को डिवोर्स किया हुआ तो थोड़ा सा लेकिन उन्होंने जो भी अपने लिए किरदार तय किया हुआ है उनका तो वो उसके मुताबिक रिस्पॉन्स देते हैं पब्लिक कॉल देंगे बड़े स्टेक होल्डर्स बड़े ठीक कुछ 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 है मेरा साहेबा थोड़े ज्यादा पोलिटिकल आंसर्स दे रही हैं डॉक्टर साहिबा सही बात बताएंगी वो यंग तो है उनका भी जोश मारता है आप सही बात बताएं आप डिसंटेड हैं पब्लिक फिगर से स्टेट से, से। um, आप खुश किससे हैं किसके बात करने लगी हूँ तो आई वु माई सेल्फ स्टूडेंट ऑफ एवरी थिंग अराउंड मी फर्स्ट ऑफ ऑल और सिंस uh, आप जिन लोगों की बात करें उम्र में भी मेरे से बड़े हैं तजर्बे तो में भी मेरे से बड़े हैं और मेरे से ज़्यादा उन्होंने दुनिया देखी है एंड आई एग्री कि बहुत सी चीज़ों में आई एम लुकिंग अप टू देम कि वो क्या करेंगे इनकलूडिंग इंक्लूडिंग पोलिटिकल लीडरशिप और बाकी दीगर लीडरशिप्स मुल्क की और uh, एक मायूसी भी होती है बट uh, जैसे अभी बार, बार बार बात हो रही थी इवन लोगों के जनरली के लोग भी नहीं निकल रहे उनसे भी मायूसी है तो या इवन यंगस्टर्स लाइक मी अलाट ऑफ देम तो एक जो बार बार सवाल आ रहा है कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा व, या वेस्ट ऑफ टाइम है आपने बात की कमेंट आएगा वेस्ट ऑफ टाइम है तो मेरा तो एक ही सवाल है सबसे और कितने कामों में हम ये पूछते हैं जाने से पहले कि टाइम ज़ाया होगा hmm. कॉन्सर्ट पे जाने से पहले पूछते हैं uh, कोई और uh, ऐसी गैदरिंग हो जहाँ हम शौक से जाते हैं hmm. सो आई थिंक द रियल क्वेश्चन इज टू हमारी कोई इंटेंशन है भी या नहीं और हमारा कोई शौक है भी या नहीं क्या हम सिर्फ ये दो दिन की जो लाइफ है इसको इंजॉय करना चाह रहे हैं या इज़ देयर समथिंग बिगर अब दिस क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग एनीबडी आई जस्ट वॉन्ट टू पुट दिस क्वेश्चन आउट देयर के हम कितने ऐसे काम करते हैं सारे दिन में जिससे पहले हम ये सोचते हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम हो गए सो इन एनी केस जो हमारी यानि उसके अंदर कोई चोर छुपा होता है एक्चुअली वो वेस्ट ऑफ टाइम के पीछे कुछ नियत में प्रॉब्लम होती है कि वो शायद इतना केयर नहीं करते या शायद उस चीज़ को अहम ही नहीं समझते क्योंकि इन एक्टिविटीज़ में मैं जैसे एज ए यंगस्टर एक थोड़ा सा ये परस्पेक्टिव देती हूँ कि वेनवर आई गो आउट या मीट पीपल या कोई भी ऐसी चीज़ तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि इससे मैं क्या अचीव कर सकती हूँ या मेरे वहाँ जाने से क्या होगा अगर मैं रोज़ ये सवाल खुद से पूछूँ मैं कभी भी कुछ भी नहीं करूँगी मैं किसी आ, अपनी फ्रेंड से भी इवन कॉन्वर्सेशन नहीं करूँगी इस टॉपिक पे या किसी और टॉपिक पे किसी बात पे मनाना किसी को क्या फ़ायदा है या। वो मान लेंगे सो ऑफ डूइंग दैट आई बिलीव इन द फैक्ट कि जैसे अगर सेव गजा कैंपेन है इसके अलावा आप किसी और पर्पज़ के लिए भी लाइफ में कोई इनिशियटिव लेते हैं तो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं द पावर ऑफ डायलॉग इफ यू आर एबल टू इनिशिएट डायलॉग अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ सोशल मीडिया पे अभी मरियम ने भी बात की बैन की अलॉट ऑफ पीपल आर अफ्रेड ऑफ दैट बट वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर के विद टू बिलियन पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स एंड द रिमेनिंग नॉन मुस्लिम्स पॉपुलेशन एज वेल

आउट ऑफ इट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंस्टाग्राम ने एक आपको वो दिया है कि आपका कॉन्टेंट जो है वो इसकी वजह से हम आपको थर्टी डेज़ के लिए बैन करें मेरा लाइव बैन कर दिया थर्टी डेज के लिए वन इट इज़ अ गुड न्यूज़ एक्चुअली डूइंग समथिंग प्लेंग योर रोल बट एट द सेम टाइम मैं दो दो मिसालें आपको दे देता हूँ जो लोग इस तरह नाराज होते हैं ना कि आप क्यों कर रहे हैं आप क्यों इस तरह कर रहे हैं और बैनिंग के बारे में भी बॉय आटिंग के बारे में भी इसराइल एक्टिवली लॉबी करता है अमेरिका में और यूरोप में हुतों को कि हमारे खिलाफ बॉयकॉट मूवमेंट जो करता है उसकी जॉब चली जानी चाहिए yeah. और इसराइल एक्टिवली लॉबी करता है फेसबुक को इंस्टाग्राम को भी मेटा की भी बड़ी को डिटेल्स आ रही हैं सामने में रिवील नहीं करता कि मेटा शायद व्हाट्सएप वगैरह के जरिए फ़िलिस्तीनियों की टारगेटेड लोकेशंस दे रहा है इसराइल की हुकूमत को मैं इसमें और कमेंट नहीं करता मेरे पास एक स्टोरी डेवलप कर रही है शायद तो दो दो तीन तीन लड़के दो दो तीन तीन लड़के आते हैं हम आज के दो दो तीन लड़के आते हैं वो ठोक के निकल जाते हैं इसराइल के टैंको को कुछ नहीं होता तो यहाँ बैठे बैठे आपको कोई आकर नहीं वो मिजाइल बचता आप इतना पहले पहले ही ना हमारी कॉम पहले ही इन से बंद हो जाती है और का बनाया हुआ सोशल मीडिया के गले पड़ गए नहीं दो जो दोनों को नोट करें इनकी मजबूरी क्यों बनती है आप किसी हदफ पे किसी टारगेट पे, पे पहुंच रहे हैं जो वो मजबूर होते हैं कि ये वो बाइकआउट वो के खिलाफ करें सो इट्स नॉटो डेमेज नहीं होता नहीं। ने जिस तरह ताबड़ वापस हिस्ट्री में कभी वापस नहीं परचेज की किसी फ्रेंचाइजी ने अपनी दुकानों को वापस दो सौ पच्चीस की पचीस अगर आप देख लें बड़ी मजे की बात मेरी किसी साहब से हो रही थी फोन पे अगर वो साहब देख रहे हैं उनको पता है वो कौन है वो कहते हैं आपके गूँगे बैरों को के को उन्होंने फ़ौरन फायर किया कि ना, ना 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 हमारी सेल्स डाउन हो गई हैं तो वो जो गूंगे बैरों का प्रोग्राम नहीं के एफ़ सी का वो जो एक्टिव जो हमेशा पूछते रहते हैं फोन के एंड पे भी कि हम उनको फलाने जो डेमेंड ऑफ स्कूल है उसको हम डोरेशन देते हैं लेकिन इसराइल की पाँच की पाँच हज़ार एम्प्लॉज़ को उन्होंने कहा मेनटेन कर गए मैकडोनल्ड्स ने कहा यानी यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी सेल को नुकसान हुआ उन्होंने गूँगे बैरें फ़ारक कर दिया वहाँ उन्होंने कहा हम रीपरचेज कर रहे हैं 225 की 225 ब्रांचेस मेंटेन करेंगे पाँच के पाँच हज़ार एम्प्लॉज़ के जो भी निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके हम उन्हीं को एज़ एज मेंटेन करेंगे लेकिन मेकडोन अमेरिका चलाएगा सो इतनी कदर उनकी नज़रों में अपनी अपनी वो जिस कॉम को वो सपोर्ट दे रहे हैं जिस कॉरपोरेट लेवल पर उसको तो हमें इस चीज़ से और दूसरा ना थोड़ा सा थोड़ा सा हमारी कॉम भी ज़्यादा डर पा गया पाकिस्तानी और ये सब कॉन्टिनेट के जो लोग हैं ना इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं कि वो मेरा वीज़ा लग रहा था मेरा एस एम एल ई है मेरा तो जी वो एम फिल में दाखिला था तो मेरा ना होगा यार मर जाओगे yeah. मैं सीरियस बात कर रहा हूँ मैं अभी आई नो बहुत लोग नाराज़ होंगे कि आप कैसे ये बात कर सकते हैं जब आप बैठे हुए हैं मैंने तो मास्टर्स किया हुआ भी नहीं है यार मुझे <laughs> तो मेरा पॉइंट ये है कि ये नहीं हो सकता कि आप एक्सपेक्ट ना करें कि कोई नुकसान ना हो और अगर दो बिलियन में से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मान लें कि हम नुकसान करवाने के लिए तैयार हैं जुजवी तौर पे उंगली कटवाने के लिए तैयार हैं उंगली कटवा के आप शहीदों में नाम लिखवा लें कि हम उनके साथ थे मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कत्ल होना और आपका उंगली कटवाना सेम चीज़ है बट मुराद ये कि कम अज़ कम आप उनकी सफ़ में तो शामिल हो जाएंगे ना तो वो आई थिंक ये मरीम साहबा जो बात पहले कर रही थी कि हमें ट्रेनड डरपोक इन्फीरियर साइकोलॉजी वाले लाइक आई थिंक जो मदर वाली जो बात की आपने वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ कि शायद काफ़ी बच्चे बच्चों को वो एक मदरली फादरली फिगर्स मेल फीमेल रोल्स में नहीं मिले एक जवान की ट्रेनिंग ही ऐसी हुई हुई है कि वो बिल्कुल ही बेचारा म्यूटेड और वो, नहीं, वो क्या फायदा है प्रोटेस्ट का और सिंस हम अभी रिजल्ट्स की भी बात कर रहे थे और अब यंगस्टर्स की भी बात करें तो इसमें एक और चीज़ है कि दो चीज़ों ने ना माइंड मेकअप किया है यंगस्टर्स का एक हमारे एजुकेशन सिस्टम ने और एक सोशल मीडिया ने एजुकेशन सिस्टम ने हमें इस तरह क्रिपल किया है कि हमें वहाँ पे भी इमीडिएट रिजल्ट्स कभी ग्रेड्स की सूरत में कभी यूनिवर्सिटी एडमिशन्स की सूरत में कभी जॉब मिल रही है या ग्रेजुएशन के बाद या नहीं इस सूरत में और फिर उसके बाद आ, हमारा हमें बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई किया है सोशल मीडिया ने इस तरह से कि हमें वहाँ पे मिलती है इंस्टेंट ग्रैटिफिकेसन वी क्लिक समथिंग एंड इट्स डन हमें इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं ये ये फिर अभी थोड़ी रीसेंट बात है अगर इससे भी पीछे चले जाएँ तो हमारी जनरेशंस ने एक मोमेंटम बिल्ड किया है जिसमें हमने ये बात सीखी है कि फॉर एग्जांपल अब जैसे अगर हम चंद महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पहले सवाल ये होता था इससे क्या होगा अब सवाल थोड़ा डिफरेंट भी होता है तब से कर रहे हैं अभी तक क्या किया है अभी तक क्या हुआ है सो वी है हाउ लॉन्ग दे हैव बीन वर्किंग

लेकिन अगर अब जो आप जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं वो था लास्ट हंड्रेड इयर्स का टू तो बी एग्जैक्ट जिसमें इन्होंने इन्विजन स्टार्ट की एमिग्रेंट्स गए और फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन और वो सब कुछ द रेस्ट इज हिस्ट्री तो दे हैव हैवर्कड हार्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम जिसमें उन्होंने एक प्लानिंग की है और उस प्लानिंग के बाद उन्होंने आज वो जो, जो कुछ कर रहे हैं अगर उनके पास हम जैसे लोग होते और वो कहते हैं जो हम आज कह रहे हैं कि इससे क्या होगा व्हेन दे वर हैविंग मीटिंग्स अ फ्यू पीपल सेटिंग तो आज वो भी ना कर रहे होते सो सिमिलरली वी हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर एज़ वेल गोरे हैं ना असली में हां इसलिए हमें ज्यादा वो उनकी मीटिंग फिर मीटिंग होती हैं ना या दैट्स अगेन कॉलोनाइज्ड वो आई डोंट वांट टू से इट बट लाइक वो ज़ैन जो है ना हमारा वो बिल्कुल डिफीटेड लाइक जैसे इवन अस सिटिंग राइट हियर

जो मुझे शायद कोई ऐसी बात जो पहले नहीं पता। इन दोनों से मेरे से तो मैं आप तो कुछ नहीं सीखा ये नहीं, 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 नहीं कहा कि कि नहीं आप बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा, कोई ना तो कुछ तो कुछ <laughs> तुमने no, I mean, honestly, I think yeah. आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जहां घर के अंदर बातें होती हैं यू you नो know, हमारे जो एक कल्चर है जनरली ड्राइंग रूम और डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशन वाला वो नहीं है हमारे यहाँ सियासत सियासत मज़हब यू नो जिंदगी वर्ल्ड व्यूज इन चीज़ों पे हमारे बड़े पसंद नहीं करते थे बातें ज़्यादा ये क्रिकेट मौसम मेले ठेले उस फिर इसकी वजह से भी अर अ बिग गॉसिप कल्चर सब कॉन्टिनेंट इज़ अ बिग गॉसिप कल्चर शादियाँ ब्याह अच्छा उसकी बन गई उसकी टूट गई बिद में दो खजूरें कम थी अच्छा उसकी हक ये हमारी मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन रहती है घरों के अंदर आई थिंक दैट वो जो नो पॉलिटिक्स एंड नो रिलीजन एट द डिनर टेबल है ना उस पॉलिसी को रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स को आज के जमाने में फ्लिप करना पड़ेगा ओनली पॉलिटिक्स एंड रिलीजन एट द डिनर टेबल या ठीक है मुराद यानी खाना खा लो पहले ये नहीं कि खाते वक्त ही लड़ पड़ो बट जब कट्ठे बैठे घर hmm. वाले तो वो और क्या है हमारी जिंदगी के अंदर सियासत और मजहब के सिवा और मैं तो इनको एक ही शायद समझता हूँ मकसद ही नहीं मकसद यही है है। यानी मैं आपको कोई वो हाँ जी मैं क्या कितनी को क्रिकेट की हम बातें कर लेंगे या मौसम की या मेले ठेलों की यू नो ठीक है you know? हॉबीज है, होती हैं आई एम नॉट से वो नहीं होनी चाहिए बट वी आर नॉट अ मेरे ये प्लेटफॉर्म है अब अल्लाह का एक इतफाक हमारे ये चीज़ बन गई है अब दो तीन सौ चार सौ पाँच सौ बच्चे बच्चियाँ हमारे से रबता करते हैं आप ही की एज ब्रैकेट के होते हैं आपसे छोटे भी होते हैं नंबर वन चीज़ क्या होती है वो बड़ा भाई ढूंढ रहे होते हैं

एन एगैन अगर उसके अंदर कोई बंदा थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज़ या कोई अच्छे ओपिनियंस लेके आ जाए या अच्छी रिसर्च लेके आ जाए तो वो उसकी कॉनवर्सेशन के लेवल को एलिवेट कर देती है सीरियसली हम लाइक एट एट दिस पॉइंट हम न, अदर देन इंटरव्यू जिस तरह आप लोग आए हैं बट इसमें तो मेरे घर वाली बात क्योंकि हमारा सहबाग सर जिस तरह है और बाप साहब तो तो के साथ तो मैं तो सिर्फ गाजाज़ ये बदवे हमारी इस तरह रेगुलर पॉडकास्ट इस तरह ही होती है आमतौर पर गेस्ट के साथ ऐसे नहीं होती मैं मेरे खुल के बातें नहीं करता गेस्ट क्योंकि आप ज़्यादा वो कर रहे होते हो हमारी अपनी जो पॉडकास्ट होती है वो यही होती है कि हम दो-तीन दोस्त बैठ के हम बस बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं व्हाट वी ऑब्जर्वड सो आई वांट टू ऐड समथिंग हियर के आपका एक सवाल था ना कि व्हाट व्हाट रोल इज सेव मजा कैंपेन डूइंग दिस इज वन ऑफ द थिंग्स के द प्लेटफॉर्म दैट बराक प्रोवाइडेड इज कि ये एक इन द फीमेल्स ये एक इंटेलेक्चुअल नीड मीट हो रही है Like, I'm I, i, as I I'm sure you know, I first saw her on Eon Podcast. Yeah. And when I saw her on the protest, <laughs> I just, <laughs> you know, I just, uh, I saw her at the protest. I just zoop, be lined for her and I was like, give him, give me your number, let's work together. Did you zoop or shoop? Not in, neither zoop nor shoop. <laughs> Those are both brands, by the way. But they should be Zoop same. and shoop? The, let, let's just move on with, from that. Yes. But, your uh, brand. <laughs> I should, care, sorry. Should, I can answer if you want me no, no, sure. What are, what are these brands? Zoop is a kitchen towel and Shoop is two-minute noodles. Zoop is a kitchen towel shoop, and yeah. Shoop is the instant noodles? Two-minute noodles. I, don't know, I know this because <laughs> as alternates for pro the local, products, local, say, local, local products. Shoop. If you Shoop. shoop. <laughs> no, so, you because you yes. hmm. No, no, just, uh, thank you.

जो इंटेलेक्चुअल नीड है अच्छा यहाँ पे ना एक फियर लोगों का आमतौर तौर पर आता है ज़्यादा वो उनके अंदर ज़्यादा जोश होता है बट दे वॉन्ट समथिंग मोर टेंजेबल आई थिंक वो इम्पेश्स होती है उनकी कि उनको फ़ौरन कुछ चाहिए होता है वो ये फील करते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल जो एक आ, 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 नीड फुलफ़िल हो रही है ये अगेन ये थोड़ा इन है बट उसको इंटेलेक्चुअल इलमी शहवत भी लोग कहते हैं कि बस ये बस इंटेलेक्चुअल फुलफिलमेंट है और इसका कोई हासिल वसूल हाँ इसका हासिल वसूल कोई नहीं है तो और ये अगेन उसी नए सैर्स की कैटेगरी में आते हैं कि बॉयकआउट करने से क्या होता है हम अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं हम तो गुलाम है बन ग़ुलाम है बन ग़ुलाम है और कोई फ़ायदा नहीं है प्रोटेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है करने का तो वो इस हद तक भी चले जाते हैं कि आप इससे बार बार बात क्यों कर रहे हैं आप दुआ करें घर के अंदर अपनी और बस को आप हुकूमत पर छोड़ दें और आप हुकूमत को तो करने दें और आप ये डू यू फील कि आप लोगों की स्टीम को निकाल तो नहीं लाइक ये जनवन फील में उनकी तरह से वो रेज कर देता हूँ कि जब आप लोग एजुकेट कर रहे हैं ये गुफ्तु कर रहे हैं उनकी इंटेलेक्चुअल नीड्स को सेटिसफाई कर रहे हैं कि भाई हाँ यार मेरे सवाल थे ये क्यों ऐसे है या वैसे क्यों है जिसने आपने एक ब्रीफ हिस्ट्री दी पैलेस्टाइन की अभी अगर एक बच्चा ये चीजें सीख लेता है तो ये नहीं होता कि वो जो एक वो जो एक इन्फॉर्मेशनल प्राना होता है कि आपके पास इतना ज्यादा डेटा होता है कि आप कुछ कर नहीं पाते उसका ये प्रॉब्लम तो नहीं आपको लगता क्रिएट हो रही मैं सिंसियरली पूछ रहा हूँ सवाल अच्छा मैं इसका जवाब दूंगी कि अगर तो हम प्रोटेस्ट वन टाइम कर रहे होते ना तो फिर हम कहते हैं कि आप वो स्टीम निकाल रहे हैं और सारा कुछ के जज्बात भड़काए और फिर बस निकल गए आप सुकून से हो गए या फिर ये कि हम ये कर रहे होते कि हम उनको सिर्फ़ अवेयरनेस दे रहे होते हैं या सिर्फ उनकी जो इंटेलेक्चुअल नीड है उसको पूरा कर रहे होते हैं हम उनको एक्टिविज़म पे ना ला रहे होते तो भी हम हम दोनों काम कर रहे हैं एक तो हमने उनको मुसलसल प्रोटेस्ट यानी हमारा जो वीकली प्रोटेस्ट का जो एक है ना सिलसिला जिसके अंदर हमने कभी भी उसका तसलसल ख़त्म नहीं हुआ और वीकली प्रोटेस्ट के साथ साथ जो हमारी उसके अलावा मुसल, मुसलसल जो अवेयरनेस कैम्पेन्स चल रही हैं जो फ्लैश प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जिस तरह से माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो टीम्स हमारी एक टीम्स थी, टीम थी मेन टीम उसके बाद अब वो मुसल, मुसलसल जो टीम्स बढ़ती जा रही हैं तो ये जो चीज़ है ना एक तो उसका मुसलसल जारी रहना कोई बंदा भी जब तक वो इतना किसी कॉज के साथ कमिटड ना हो सीरियस ना हो तो वो इस तरह मुस्तिल मिजाजी के साथ उस पर काम नहीं कर सकता और दूसरा ये कि या तो हम सिर्फ उनको लेक्चर्स दे रहे होते हैं हमको फलस्तीन की हिस्ट्री बता रहे होते हैं और सब हम उनको एक्टिविज़म उनसे मांग रहे हैं उनसे डिमांड कर रहे हैं और वो बड़ी खुशी से मतलब हमारे पास लाइन लगी हुई होती है जो लोग हमारी व्हाट्सएप yes. कम्यूनिटी को ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद हम वहीं से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट राउंड एक्टिविस्ट वॉल्टियर्स तो वो एक लाइन लगी हुई होती है गूगल फॉर्म के ज़रिए से जो बच्चे हमें कह रहे होते हैं कि हमने ये भी करना है हमने ये भी आपके साथ करना है तो हमारे पास इतना काम नहीं है जितना कि हमारे साथ बच्चे वॉल्टियर करने के लिए तैयार हैं तो मेरा ख्याल है या तो आप सिर्फ बातें कर रहे हो तो आप कहें लेकिन हम उनसे हम मांग रहे हैं काम करना है और आइडिया ये है कि ये जब तक इसराइल की स्टेट डिसमेंटल नहीं होती और फिलिस्तीन की सरजमीन सारी वापस नहीं आती ये, ये बच्चे अब बड़े हो के कल को जब भी जिस पोस्ट पे जाते हैं ये अपनी लाइफ लॉन्ग एक्टिविस्ट बने यानी ये बायकॉट जो है टेम्पररी नहीं है इनका पब्लिक फोरम्स पे डिमांड करना उसके लिए ऑर्गेनाइज करना ये टेम्पोरी नहीं है मुराद यह एक एक हाँ, हाँ, बात किया ना कि जो बहुत अच्छी मिसाल दी है निका साहबा ने डॉक्टर साहबा ने जायनिजम कोई कुछ छह महीने का मनसूबा नहीं था दो सौ साल की कम अज कम कम अज कम मेहनत है इफ़ और अगर उनकी पूरी एक यहूदियों के हाँ जो एक मजहबी लिटरेचर की हिस्ट्री है उसको ले लें तो हजारों सालों की मेहनत है एक एतबार से तो ये ऐसे नहीं हो सकता कि हम चाहें कि सात महीने में हो, हो, हो शख्सियत का हिस्सा बन, बन रहा है और दूसरा ये कि आप देखें कि मतलब वो जो बच्चे आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है उन्होंने इससे पहले कभी एक्टिविज्म नहीं किया फैमिली किसी मतलब उनका कोई तजुर्बा नहीं है किसी सियासी जमात से

अगर इसको आप ऑन द ग्राउंड जो गजा में हो रहा है ना उसके एंगल से देखें वी हैड दीज डेज के हमने प्रोटेस्ट किया आई थिंक सेकेंड धरना हमने खत्म करके किया और अशा हॉस्पिटल का हो गया एंड वी वी फील लाइक वी हैथ एंड रीमोबिलाईज रीगेलनाइज गेट अप अगेन एंड जस्ट डू मोर

तो मतलब ये कि कि वो वो इतना बड़ा है कि आपका वो जो है आपका जो ना रियल और है है और वो और जा, जा रहा है अच्छा ये जो करते है ना, अक्सर ये तंजिया के भाई क्या हासिल कर लिया क्या कर लिया या तो ये उभारना चाह रहे हैं हमारे से को हम नॉन स्टेट एक्टर बन जाए और हम वायलेंस करें अपनी मतलब मुझे समझ नहीं आती वो चाहते कि हम कुछ भी ना करें तो घर बैठ जाए जाके अब जिस तरह आपने ये बात की अलशफा का रिस्पॉन्स आप यही मतलब मिनिमम बैठा जा नहीं सकता ना एक इंसान से कि आप हाँ देख रहे हैं कि कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया पूरे के पूरे हस्पताल को और जिस तरह की वहाँ से तस्वीरें हम सब ने देखी हैं जो सूरत हाल तो उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि सवाल तो ये बनता है ना कि आखिर आप खामोश कैसे किस बुनियाद पर आप खामोश बैठे हुए हैं तो ये सवाल तो बनता ही नहीं है कि आप क्यों बोलें बल्कि ये बनता है कि आप क्यों ना बोलें अच्छा आपने बात की कि जब नॉलेज अगर हमारी वजह से कोई भी बात पता चल रही है तो वो सैटिस्फाई हो जाएंगे फिर एक एंड ऑल ऑफ़ दैट आई बिलीव कि नॉलेज इज़ जैसे बाकी चीज़ें हैं इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क और रिस्क जो होता है वो आपको डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है और डिफरेंट सोर्सेस से मिलता है और आपने सिंस नॉलेज की बात की तो हम नहीं कहीं से भी हम न, ना कर रहे होते तो ये नॉलेज उनको कहीं और से भी मिल रहा होता जब मिल रहा होता तो उसके साथ वो क्या करते हैं वो तो हमेशा से डिफरेंट रहा है और आइंदा भी रहेगा तो एक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं बेनिफिशियल नॉलेज फिर वो वो कैटेगरी है जिससे एक्चुअली फ़ायदा होता है या चीज़ होती है सो so, अभी मैं एक चीज़ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से दूँगी विच आई लर्न एंड आई थिंक आफ्टर दैट मैंने स्टिल हेल्पलेस एट सर्टन पॉइंट्स फील किया है लेकिन आई हैव ऑलवेज बीन एबल टू गो बैक बैक टू नॉट फीलिंग हेल्पलेस वो चीज़ ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ बींग्लाज खलीफ़ा वाइस प्रजिडेंट एम्बेसडर ऑन अर्थ जो सुर बकर है अगर हम उसको अंडरस्टैंड करें ना आपने जैसे बात की uh, कि बहुत अच्छी बात की कि uh, तो क्या हुआ अगर यहाँ से आपका वीज़ा बाहर का नहीं लगेगा और मास्टर्स नहीं कर पाओगे राइट right? वो बेसिकली क्या है वी आर ट्राइंग टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ स्टेटस फेम मनी एनी थिंग एट ऑल इन दिस लाइफ राइट अब हो ये रहा है कि वी आर फॉरगेटिंग कि के देर इज वन फॉर्म या एक स्टेटस जो है वो पहले से फॉर इंस्टेंस हमें दे दिया गया है एंड हम उसको उसको अंडरस्टैंड तो तब करेंगे ना जब हमारे पास वंस अगेन जैसे नॉलेज की बात हो रही है उसका हमारे पास नॉलेज होगा सो आई थिंक आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दिस विद अदर्स इज वेल बिकॉज दिस हैज़ हेल्प्ड मी अलाट इन मैनी थिंगस कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि वेन अला सुबहान वाली सैड ही मेड अस खलीफा तो ये कुछ छोटा टाइटल नहीं है इट मीन्स कि हम हेल्पलेस हो ही नहीं सकते सो so, uh, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें स्टेट कोई टाइटल देती है हम कितने खुश होते हैं ये uh, अगर हम ब्यूरोसी की बात करें पुलिस की बात करें पॉलिटिशन्स की बात करें क्या है वो सारे टाइटल्स हैं ना गिवन बाय होम द स्टेट द प्राइम मिनिस्टर और हुए अलेक्शन होते हैं तो लत से फर्जी तौर पर लोग दे रहे हैं वो टाइटल सो इन ऑल दीज सिस्टम्स वी आर रनिंग आफ्टर दो टाइटल्स राइट सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा लैग है कि हम वो टाइटल एक तो पता भी नहीं तो फिर भूलना तो बाद की बात है बट अगर पता है तो हम भूल गए हैं एंड देन वंस वी फेट दैट तो फिर हम बाकी सारे टाइटल्स के यू you नो know, पीछे रहते हैं सो आई थिंक रिम्बरिंग दैट एंड मे बी लर्निंग मोर अबाउट इट ये ये टाइन करती है आपने जो अर्लियर भी बड़ी प्यारी बात की थी कि अगर मुझे ये इसदे का अपने आम शहरी हैसियत से वजन इसका बोझ महसूस होता है तो जितना आप बड़े रैंक पे हैं तो उसका उतना ही आप पे प्रेशर होना चाहिए तो आपने कहा ये जो मसनू टाइटल्स हमें मिले हुए हैं कोई एम एन ए है कोई एम पी ए है कोई ए सी है कोई डी सी है कोई जर्नल है कर्नल है, है कुछ और है ये जो स्टेट ने दिए हैं हमें टाइटल्स तो इसके बारे में अल्लाह के यहाँ जो पूछताछ होगी ख़ास तौर पर फ़लस्तान के मसले को ले यानी आपको इतना प्रेशर फ़ील हो रहा है आपको हो रहा है आप सारे नॉर्मल यानी मेबर्स ऑफ सोसाइटी हैं कोई उदा हमें किसी सरकारी महकमे की बुनियाद तरफ से या किसी प्राइवेट इदारे से नहीं मिला हुआ तो हमें इतना जो प्रेशर फील होता है तो क्या इन लोगों के यहाँ भी ये प्रेशर उनको फ़ील हो रहा है या वो गॉड कॉन्शियसनेस ही ख़त्म हो गई है कि उनको तस्वर ही नहीं है कि हमने मार के इसका हिसाब देना कि यार मैं चीफ आर्मी स्टाफ था मैं डीएसपी था मैं इंचार्ज ऑफ पुलिस था मैं चीफ जस्टिस था मैं प्राइम मिनिस्टर था मैं चीफ मिनिस्टर था ये थी ठीक है ना तो मुराद ये है कि ये कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे मतलब मैं अक्सर आई नेवर मेक एन अपील बाय द वे टू द टू द सिविल मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशन आई जनरली डोंट पॉडकास्ट में ऑल्दो हमारे बाकी मेम्बर्स करते होते हैं मेरे वाले साहब करते होते हैं अक्सर कभी तो कोई और गेस्ट आते हैं वो कर देते हैं मैं पर्सनली कभी भी कोई अपील नहीं करता बिकॉज मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता स्टेट से वे आई थिंक बट लाइक आप लोग एज अ इंस्टीट्यूशन आप लोगों ने ट्राई भी की थी स्टार्ट में बड़ी लीडरशिप से मिलने की डू यू हैव एनी डिमांड्स ऑफ देम एनी अपील फ्रॉम देम कि यू नो you know, हम हम कर रहे हैं हम आम लोग हैं यकीन मुझे, मुझे 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 आई डोंट बिलीव फॉर अ अकेंड के मरीम नवाज़ को नहीं पता कि मैकडोनल्ड इज़ अ बैड ब्रांड यानी उनके खिलाफ इन पी आर परस्पेक्टिव से टोटली यूटिलिटेरियन परसपैक्टिव से बट लाइक डिलूजन है या इतनी बेहसी है या बिल्कुल ही हमें कुछ समझते नहीं है अब क्या वजह है कि वो बिल्कुल उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता अब बिकॉज उनके भी इंस्टाग्राम तो होंगे यकीन yeah. ख़ातून है बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं तो वो सारे वो इंस्टाग्राम पे ही मिलते हैं तो वो ऐसे करते हुए कभी ना कभी तो मैकडोनल्ड के ख़िलाफ़ या कोई फिलिस्तीन के बच्चों की फ़ोटो वीडियो तो आई होगी वट वुड यू से टू मरियम नवाज़ फिर यंग वुमन चीज़ ए यंग वुमन आपके लिए तो बड़ा फ़ख्र की वो बात होगी पूरा सुबह यानी एक ए यंग गर्ल आप पंजाबी हैं आप मतलब यंग डॉक्टर हैं प्रोफेशनल हैं आपने कल को पब्लिक लाइफ में आना है अगर आप सरकारी डॉक्टर बनती हैं तो कल को आप बड़े लीडरशिप रोल में भी आ सकती हैं आपके लिए तो सीएम बड़ी कोई मतलब यू नो एक वो होगा कि सीएम एम मरीम नवाज़ लाइक क्या आपको फील होता है आप क्या मैसेज देना चाहती हैं आई थिंक uh, जब भी आप पे uh, कोई जैसे आपने बात की कि कोई स्टेटस या कोई टाइटल आपके पास होता है फिर इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बड़ी इस केस में आई थिंक एज एन इंडिविजुअल हर किसी के पास ना दो रास्ते होते हैं एक ये बिकॉज बिकज़ और uh, जिसको आप राइट right, रॉन्ग कह सकते हैं टू इट अब वो जो दो रास्ते हैं ना इसमें एक बड़ा प्यारा एक असूल है दोनों रास्तों का एंड इस्ट्रेट फॉरवर्ड और ये क्रिएटर का असूल है ये कोई हमारा बनाया हुआ नहीं है वो ये कि आप जिस रास्ते पे कोशिश करते हैं ना वही आपके लिए आसान हो जाता है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस रास्ते पे चल रही हूँ कि आई वॉन्ट के मज़ीद डायलाग हो पैलेस्टाइन के लिए या कोई एफर्ट हो तो मुझे ऐसे ही लोग मिलेंगे मैं ऐसे ही लोगों से मिलूँगी और मैं जितना मतलब कर सकती हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा हर स्टेप पे कर पाऊँगी ऑन दी अदर हैंड अगर मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल उल्ट हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती तो मैं ऐसे ही लोगों से मिलूँगी और मेरी बाकी सारी लाइफ का जो डिस एक वो डिस्कोर्स है वो वैसा ही नजर आएगा तो ये अब जो स्टेटस की या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है तो मेरा ख्याल है Uh, हम ये चीज़ भूल हमें ऐसा लगता है बिकॉज मेजॉरिटी हमारे अराउंड उस रास्ते पे चल रही है जहाँ पे वो बहुत सी uh, ऐसी चीज़ों के पीछे हैं जैसे होर्डिंग चाहे वो वेल्थ uh, हो या कोई और चीज तो वो जो एक होर्डिंग का कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से हम ये भूल रहे हैं कि अगर हम दूसरे रास्ते पर भी चलें फॉर एग्ज़ाम्पल तो उससे भी बहुत से रिसोर्स ऑटोमेटिकली जैसे वी हैव वेरी गुड एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल अब्दुल सतारी थी आई नो ही डिड नाट होल्ड फॉर हिम सेल्फ या कोई खुद ही दिस वॉज हिज इंटेंशन बट ही गॉट फेम थ्रू दैट एज वेल अगर आप ये सारी कोशिश फेम के लिए करो तो फिर भी अल्लाह के सामने तो इवन फेम भी चाह रहे हैं तो कम से कम किसी ऐसे तरीके से ले लो जिससे किसी और का फायदा हो जाए उससे भी तो मिल रही है सो वट आई एम ट्राइंग टू से सूर्य लैल में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुआ है अगर सुर की कोई तफसर पड़े कि इंसान के पास दोनों रास्ते होते हैं और वो जिस रास्ते पे कोशिश करता है उसके लिए वही आसान बना दिया जाता है सो so, डिफिकल्टीज दोनों में आती हैं जो गलत काम करते हैं उधर भी बड़े मसले आते हैं कभी रात को नींद नहीं आती रात को नींद आ जाए तो दिन को नहीं आती यू you नो know, उसमें भी बहुत से प्रॉब्लम हैं राज कर सकते हैं या सरों पे राज कर सकते नहीं एक्चुअली आपने एक डिप्लोमेटिक आंसर दिया आप यंगर हैं और आपने लेकिन अच्छी उसको अपने रिलीजियस उसमें दिया कि दे हैव बोथ अपॉर्चुनिटीज़ इवन अगर एक मरीम नवाज़ साहबा की बात हो रही है या प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हो या प्रेजिडेंट साहब की या चीफ साहब की दे ऑल हैव बोथ ऑप्शन अवेलेबल टू दैम एट टाइम अगर उनके मुकद्र में ये उहदा है ये लीडरशिप रोल है तो वो उससे करते क्या वो उनकी टोटली अपनी एक वो उनका फेल है यानी वो ये नहीं कह सकते हर स्टेप पे चॉइस है हर स्टेप पे वो एक डिसीजन ले रहे हैं एंड दे हैव वॉकड दैट पाथ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से तो नहीं गुजर गए हमारी लीडरशिप इसमें मैं तो समझती हूं कि जिस तरह एग्रेशन दिखाना चाहिए था ना ये जो मरियम नवाज ने जो हरकत की है मतलब डोनाल्ड तो इंतहाई इंतहाई मतलब शर्मनाक क्या मुजरिमाना है मतलब उन्होंने बताया ना कि वो गलत रास्ते पे चले तो फिर हाँ, वो रास्ता ड्राइव थ्रू तक का आसान हाँ, हो जाता लेकिन है लेकिन आप देखे ना आवाम का कोई रद्द अमल आया अवाम को चाहिए था ना कि इस पे एग्रेशन दिखाए आला तो ये असल वो चीज़ है कि हमने छोड़ दिया है अपने लीडर्स को हमने उनको ये सब करने की इजाजत दी है इसमें ये डर गए लोग जेलों में नहीं जाना चाहते मार नहीं खाना चाहते बिल्कुल यही बात मैं समझती हूँ कि सोसाइटी का बहुत कहा कि हमने सरों पर राज करना है दिलों में नहीं वो राज करना चाहते हैं

PTI नून लीग हाँ, मिसाल जो भी ठीक है उसके लिए तो हम इतना मैदान में आकर डट जाते हैं लेकिन मरियम नवाज की इस हरकत के ऊपर आपको डट जाना चाहिए था ना कुछ तो शो करना चाहिए था कि आप हमारी हमारे वजीर आला हैं। और आप हमारे जज्बात के साथ ये हमारे पैसों के साथ हाँ, हमारे सरकार के पैसों के साथ आप मैकडोनल्ड के मील खिला रही है हमारी कौम के बच्चों को तो मतलब ये असल बात है कि आप सोसाइटी भी तो वो एंगर शो करे अपना जो अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए करते हैं इतनी छोटी कॉजेज के लिए करते हैं तो इतनी बड़ी कॉज के लिए उसका कुछ हिस्सा तो शो करें हम्म सही बात and, ये बात सही है कि सिर्फ मैकडॉनल्ड्स ही अवेलेबल था मरी में आई एम श्योर मरी में और <laughs> चीजें भी होंगी। दैट्स व्हाट आई मीन आई डोंट नो मरी में है <laughs> भी मैकडॉनल्ड्स के नहीं बात है 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 ऑलराइट right. कहां नहीं है डस्ट तक uh, यहां पे वी रिसेंटली विजिटेड और मरी uh, not McDonald's। <laughs> 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 नहीं नहीं वी सॉ पीपल देयर एंड वैसे तो एट एवरी ब्रांच तो। हर हर आप जगह जाए स्टार्ट में ना मैं भेरा पे रुका था मैं गुजर रहा था इस था फर्स्ट मंथ में भी मैं जा रहा था इस्लामाबाद के सिलसिले में तो वहां मैंने उससे पूछा था वो जो लड़का वहां काम करता है यानी वो दुल की मस्जिद में हमें जान जहाँ तो उसने कहा कि नहीं सर सेल कम है तो स्टार्ट में मुझे खुशी हुई थी कि फर्स्ट मंथ और टू आई फेल्ट के लोग बट अब बिजनेस एज़ यूजल हमारी यू you नो know, कुछ चीज़ों में सिस्टमिक चेंजेस आना शुरू हुए हैं शादी हॉल्स ने लोगों की रिक्वेस्ट पे वो ड्रिंक्स ख़त्म किए हैं स्कूल की कैंटीन्स में आई एम नॉट इट्स नॉट द सेम एज़ बिफोर बिल्कुल सेम नहीं है मैं इतना भी नहीं कहूँगा कि हमारी कॉम बिल्कुल ही बट वो रिस्पॉन्स जो हक है वो नहीं अदा किया चेंबर ऑफ कॉमर्स हो जाएँ बड़े बिजनेस लीडर्स हो जाएँ मतलब एक मलिक रियाज ही अनाउंस करते हैं कि यार बैर या टाउन में ना कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी मतलब सात खून माफ़ तो वैसे ही है उनको मालिक साहब को तो ये एक और आठवां खून भी माफ़ कर देंगे हम उनको कि यार चलो कोई स्टेप तो लिया उन्होंने या डी एच एनाउंस कर देते कि जो हमारे क्योंकि डी एच एस कितने कमर्शल वेंचर हैं सिनेमाज हैं मॉल्स हैं वगैरह वगैरह कि वहीं कंज्यूमर लेकिन किसी ने किसी बड़े यानी वही एक बात है कि वॉइस नहीं अटैच हुई बड़ी बड़े सिविल लीडर्स रिलीजस लीडर्स बड़े पॉलिटिशन कोई बड़ा बिजनेस ग्रुप किसी ने कोई बहुत आवाज़ इवन जो मैं यहाँ पे एक बात तो कहना चाहूँगा मैं आपके लिए नहीं ये मैं खुद कह रहा हूँ मतलब डायरेक्टली डोंट वरी गाजा की तरफ से बात नहीं है मैं जिन्हें जो ऑब्जर्व किया था आई हैड एक्सपेक्टेड कि जो सोडा कंपनीज़ हैं वाटर बॉटलिंग कंपनीज़ हैं चिप्स बोतल वगैरह ये चीज़ें बच्चों की खाने की चीज़ें जो बनाते हैं आई हेड एक्सपेक्टेड कि वो बड़ा ना दबंग तरीके से बाहर आएंगे बट ना उन्होंने आवाम को रीड किया या शायद उन्होंने सही रीड किया हमारी आवाम को कि यार ये एम ही है एनजीन मतलब इवन इवन प्रॉफिट के लालच में कोई सामने नहीं आया मैदान के अंदर और किसी बड़े बिजनेस ग्रुप की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई या ऐसा कोई अमल नहीं किया गया कि मतलब बंदा कहे कि यार वाकई में यार ये तो यू you नो know, तन मन धन लगा के उतर आए हैं मैदान में सो ये कलेक्टिव जो आप कहते हैं ना फटीक हमारी कौम को शायद हुआ हुआ है वो छहत्तर साल में, में मेरा ख्याल थक गए इतनी हमारी को बै बैटरी थी इसमें एक चीज़ है जैसे कि आप वो जो कुरान में जैसे कह रही थी कि उसके लिए आसान हो जाता है अल्लाह जब कुरान में फ़रमाते हम हमें जब हज़रत मूसा की कहानी बताई जाती है ना कि फ़िरौन था दरबार में अकेले थे एक्चुअली से ये तो कहानी है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ असर कि हम डर के बैठे हैं. तो पिछलों के कहानी हजरत मूसा ने जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को कहा कि जाओ तो हजरत मूसा ने छः डिफरेंट मुख्तलिफ रीज़न्स दिए मेरी जुबान नहीं चलती उन में hmm. वहाँ पर मेरा एक hmm. मेरे ऊपर एफ आई आर कटी हुई है फॉर एग्जाम्पल यू नो एंड देर आर अदर थिंग्स ही प्रजेंटेड प्लीज़ मेरे भाई को भेज दें ही टॉक्स बेटर या ही टॉक्स बेटर फिर भी अल्लाह सुबह तल ला एप्सोलूटली नॉट ये तो पाकिस्तानी से तो अवेयर है ना ये सर एब्सोलूटली नॉट यू विल गो तो ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना कि हम प्रैक्टिकल uh, एग्जांपल है सॉरी कि हम दिखा रहे हैं हाँ, ये कि एक्चुअली रियली बिलीव कि इट्स अ स्टोरी फिरौन से बात करके क्या हो गया ये भी बात है और वो इवन उधर भी अल्लाह कहते हैं उनको कि आप जाके उससे नरम तरीके yeah, से बात करना शायद कोई वो तोबा ही कर ले अलग अल्लाह को नहीं पता कि मतलब उसने तोबा नहीं करनी आप ब... उस तस्वीर को आप yeah. उस सीन को इमेजिन करें yeah. कि ही सिटिंग अप देयर एंड ऑल हिज कोर्टियर्स हिज जनरल्स आर देयर and they're dressed in the you know full regalia फुलर एंड यू आर विद योर टंग एंड यू आर जस्ट देर टू टेल हम एक्सक्यूज मी यू आर नॉट गॉड बी इसको प्रैक्टिकली ये शो कर रहे हैं कि वी एक्चुअली सब कॉन्शियसली बिलीव आर स्टोरीज भी इतना शायद वो बड़े जी का ना वो गॉड का जी बड़े जी वाला वो तस्वुरा अब अब शायद कोई मतलब यूटिलिटी जो है कंजम्पशन के थ्रू प्लेजर पेन ये ही छोटे छोटे जी बन गए हैं छोटे छोटे गॉड बन गए ना उस बेला कि वाकई में मैं खुद सोचता हूँ कि यार एफ आई आर है तो वहाँ डंडे पड़ेंगे तो वहाँ धूप होगी तो वहाँ पानी कहाँ से मिलेगा यू you नो know? अभी सिंस हजरत मूसा मूसम की आपने एग्जांपल दी और इससे पहले बात हो रही थी कि हमारी लीडरशिप क्यों नहीं कुछ करी और एट्सेट्रा तो इसको आई टू टू समथिंग दैट आई एम रिमाइंडेड ऑफ हज़र मूसा सलाम अल्लाह के नबी थे एंड ही एट द एंड ऑफ हिज लाइफ टाइम जब योशलम के वो बाहर चक्कर लगाते थे एंड ही वॉन्टेड टू एंटर एंड ही वीज़ रिक्वेस्टिंग हिज पीपल और हिज पीपल बिट्रेड हिम एंड इट वॉज ड्यू टू देंस ऑफ हिज पीपल कि वो ना ये एंटर कर सके ना उसको फतह कर सके एंड वो जो सारा जिस सिंस आपने भी बात की कि मस्जिद अक्सा की हमें इम्पोर्टेंस नहीं पता जो वो सारा इलाका है जिसको अर्जुल अर्जुलमुक़दसा कहा जाता है सो ऑल ऑफ दैट एरिया एज़ मैसेंजर ऑफ गॉड ही कुड नॉट एंटर इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो ये नहीं है कि उनमें कोई कमी थी या एनी थिंग बट द फैक्ट कि उनके साथ जो लोग थे उनमें कमी थी बट वेन वी टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ सलाहुद्दीन द्दीन He, in terms of uh, his status compared to Hazrat Musa AS, nowhere near, right? Allah's so uh but how did he succeed? He trained his men, there were those people, there was that environment. They say, um, if you study about uh, the, that uh, when masjid aqsa he used to uh, wait uh the siege of Jerusalem and he did not attack for number of days. To the army would wait and they would ask him, Kab hamla karenge? and he would be like, okay, not he was actually waiting till all his army men were awake for uh, the hijrat prayer on their own, which shows their desperation to, you know, get Konkurt what the they shri. really want. De. so, to get right with god, basically. and yes. and the other pa as aspect of their training was when uh, salahuddin Yubi said, do not think that i conquered Jerusalem by my sword but i conquered jerusalem by the pen of qazi al fazil qazi al fazil uh, was a qazi who used to write him letters and in one of the letters qazi al fazil writes that do not think that islam uh, gained uh, power or uh, came to power because of numbers or wealth but allah chose it for people uh, who enjoyed good or who were, uh, had good in their hearts so दिस इज़ लाइक स्टार्टिंग ऑफ वन ऑफ द लेटर्स ऑफ अलकाजी अल्फाजल सो अब ये जब चीज़ हम अगर समझें ना सो ना आई वुड लाइक टू लिंक इट टू दैट जो हम देखते हैं लीडरशिप में हमारी एक वो चीज़ तो अगर हम देखें तो एक आ, वो जो लीडरशिप है हमें चीज़ नज़र आती है ना कि वो अनफेयर हैं या हमने कितनी आई थिंक काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली इसके अलावा हम सबको पता ही हैं सो so, वो जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो नीचे वाले लेवल तक हैं हम सब कहीं ना कहीं बेईमानी करें हम सब कहीं ना कहीं सो आई थिंक इट्स अ वेक अप कॉल आई होप इट इज फॉर ऑल ऑफ अस कि हम यू you नो know, अपना कोई लाइन दुरुस्त करें कम से कम कम से कम किसी के साथ ना इंसाफी ना करें दैट्स लाइक द बेर मिनिमम वी कैन डू एंड देन वी कैन होप फॉर लीडर्स दैट विल बी डिफरेंट तो आई आई रियली प्रे दिस इज़ अ वेक अप कॉल इनशा वेरी गुड नायलोजी बात हुए असलम जो है वो नबी हैं लेकिन सलाहुद्दीन और उसके आदमी you know, शहर फतेह कर लेते हैं और इट्स अ वेरी सिमिलर सिचुएशन कि वो लड़ना नहीं चाह रहे जो बनी इसराइल के लोग होते हैं बिकॉज़ वो डर रहे होते हैं उनसे फिलिस्तीन से उनको कहते mm -hmm. हैं अंग्रेज़ी में, में मेरा ख्याल है जो पुराने लोग होते हैं वहाँ परनानाइट्स अमेलिकाइट्स बड़े नाम मैंने सुने और लेकिन जो है वो सला की फ़ौज जो है ब, बिल वो क्योंकि नेक लोग हैं और किसी वो सही रास्ते पर या उनकी कोई ट्रेनिंग अच्छी हुई हुई है तो वो

आई एम श्योर देर आर पीपल विद इन दस्टेब्लिशमेंट वाइफस हो गई बेटियाँ हो गई बेटे हो गए इवन द मेम्बर्स दमसर्स यहाँ जो जब ये गजा में जैसे शिफा हॉस्पिटल में जो चीज़ हुई है गज़ा में जो होते देख रहे हैं उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है आई एम श्योर दे मस्ट है विसरल फिजिकल रिस्पॉन्स वॉमिटिंग एंड ऑल दैट जो भी है But then they see their bank balances, then they see their houses, then they see their cars, then they see that their children are all well settled. And they see those chains and they are shackled by it. And they are unable to do something. I am sure that there are such people in the establishment. Would you agree? No. SubhanAllah. Okay but you know, i would you know when the al firawn was what the dil that, nahi hote jo ye hote na state ke bande hote na inki dil nahi hote andar na patthar ke, ke pieces hote pieces hote chote chote se mai but, but the then, quran tells us what the quran tells us that even in the court of firawn that raoga man that a hi i am talking to that one i am talking to that i am offering you a white flower Kar, i am not kera. showing i am not sure that you will do something but i am saying this consider this that you are probably that one <laughs>

क्योंकि ट्रेनिंग ही ऐसी होती है ब्यूरो बिरौ, हों मिलिट्री ऑफिसर्स हों पॉलिटिशियंस हों वो कॉन्स्टेंटली ना अपने कैलकुलस में इन चीज़ों को देख रहे होते हैं वो आप आपको बंदे नज़र आ रहे होते हैं उनको नंबर नज़र आ रहे होते हैं उनको मूवमेंट्स नज़र आ रही होती हैं ठीक है शायद कोई इल्म माशाल्लाह बड़े हों कोई नेक बेचारे आप क्या कहती हैं परेशान होते हैं रातों को is... दोनों बातें आ गई हैं <laughs>

या, या साहब की या एय साहब की तो अब बड़े कॉन्फिडेंटली लोग कह लेते हैं कि यार सच एंड सच पर्सन दुरुस्त था और सो एंड सो पर्सन गलत था और यह ऐसे जो तारीख़ में हुआ है सो जुर्म कभी ख़त्म नहीं होता यानी उसकी पूरी हिस्ट्री बनती है और फिर सारे लोग जो उस वक्त मुकदमे में ठीक थे सही हक़ पे खड़े हुए थे तो वो एक रिकॉर्ड बन जाता है और प्रेसिडेंट क्रिएट हो जाता है कि यार आपने वाट टू तो डू एंड वाट नॉट टू तो डू जब ऐसा कोई काम हो तो आपकी बात दुरुस्त है कि काश हमारी सिविल मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के अंदर ऐसे लोग हों बड़े पॉलिटिशियंस बड़े बिजनेस इसमें एक और इफेक्ट भी होता है कि कि द कोर्टियर्स गेट अप एंड नोटिस देयर इज अ वे आउट जी के रास्ता है निकलने का और रास्ता है प्लस आई थिंक जो अवमी मूवमेंट होती है उसको वो एम्बोल हो जाती है उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है कि यार ये भी कह रहा है यू नो ये भी कह रहा है अफसर भी कह रहे हैं जज भी कह रहे हैं यू नो जर्नैल भी कह रहे हैं लोग खड़े होकर कह रहे थे तो मेरा तो बाहर निकलना फिर वो सवाल खत्म कि निकल के हो जाता है क्या होगा यानी अफसर भी मजहबी जस्टिफिकेशन भी एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर मैं आपको ये भी बता दूँ कि काफी ज्यादा इन लोगों को दिलासा भी दिया जाता है मजहबी तबके से कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सर ये बड़ी प्रॉब्लम है क्या ठीक सोच हाँ जी ये खामोश रह ठीक करें हाँ कि एक एक बुनियाद बना के भी जस्टिफाई कर लिया जाता है यानी अगर कोई मिसाल तौर में हिट नहीं करना चाहता होंगे तो वो कहेंगे कि नहीं स्टेट का काम है देखिए सऊदी स्टेट को पहले आप देखिए वो कैसे कर रहे हैं और देखिए ईरान तो जो है वो तो वो तो शीएँ हैं वो तो माइनॉरिटी हैं उनके बारे में डैश 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 इस तरह की पूरी आर्ग्यूमेंट होगी रिगम रोल होगी और कोई इस लाइन में ले आएगा कि देखें जी हम कमज़ोर हैं तो इस्तात की बुनियाद पे हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए तो आप चुप रहे लेकिन आप आप बैक चैनल से उनकी मदद कर लें हालांकि वो भी नहीं कर रही भाई देखा ये एलूजन भी अगर आप मेंटेन करें ना तो ये भी झूठ है हम बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं दे रहे पैलेस्टाइन को किसी भी डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सेंस के अंदर आम माशरे की तरफ से महामाल की ठीक है उस मामले में हमारी स्टेट ने रुकावट नहीं कोई बहुत बड़ी की वो उनकी मेहरबानी है कि लोग कम अज़ कम चैरिटी तो भिजवाने दे रहे हैं वहाँ पर लेकिन ज्यादातर जो सहारा है उसमें वो गैर पाकिस्तानी पासपोर्ट का है ज्यादातर जो लोग उन ऑर्गेनाइजेशन में लीड कर रहे हैं कोई डॉक्टर्स हों कोई एड वर्कर्स हों तो इसलिए उनके पास पास्तानी पासपोर्ट नहीं है तो वो बाउंड नहीं है इन कौन से तो मजहबी जस्टिफिकेशन मौजूद है मार्केट के अंदर हर रंग हर शक्ल हर फिर के लिए हमजा यूसुफ ने दी थी ना हमजा यूसुफ साहब ने दी थी बड़े क्या हुआ था उनके साथ देखिए ना वहाँ एक आवाम के अंदर एक करंट है दौड़ है यहाँ पे या मौलवी साहब को पूछते हैं या वो पूछते ही नहीं है <laughs> ना पूछने वालों ने पूछना है ना 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 पूछने वालों ने पूछना है तो, तो है। लेकिन जो अफसर होता है कोई बड़ा अहदेदार होता है कोई बड़ा पॉलिटिशन होता है उसको तसली मिल जाती है झूठी सच्ची उसको मिल जाती है आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस पीपल आर इमोशनली मेंटली ऑक्यूपाइड एंड सेटिस्फाइड पी टी आई वाली टसल के अंदर इन चीज़ों के ऊपर वो फुली उनकी रिसोर्सेज और मेंटल एनर्जीज कंज्यूम हो चुकी हुई हैं बिल्कुल में मैं आप हैरान मत हों कि आपकी टॉप लीडरशिप के अंदर ये टॉकिंग पॉइंट ही नहीं है ये प्राइवेट में चाय के ऊपर भी ये बात नहीं करते वो अभी यही बात हो रही है कि चाहे अब बुशरा बेगम क्या करेंगी और इमरान किधर जाएगा और नवाज शरीफ ने ये मूव कर दी और शबाज़ साहब ने ये मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे मैं सीरियस बात कर रहा हूँ सो आई थिंक दी आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि मोमिन होगा अच्छा ये जो आप अभी बात इस आई करेंट टू कोट एन आया It's in Surah Maida, and translation goes like this O you who have attained to faith, if you ever abandon your faith, God will in time bring forth in your stead people whom He loves and who love Him. Humble towards the believer, proud towards all who deny the truth. People who strive hard in God's cause and do not fear to be censored by anyone who might censor them. <laughs> जो आजकल हमें खतरा आया है कि हमें फलाना कुछ कह देगा फलाना बॉयकॉट हमें कह देगा सच इज़ गॉड्स फेवर विच ही ग्रांट्स ही विल्स सो ये सुरदा की आया बहरहाल फिफ्टी फोर है एंड आई हैव लाइक थॉट अबाउट दिस लॉट इन ये ये जो आजकल जो कुछ हो रहा है इसमें एंड इट अप्लाई सो एक्यूरेटली कि अभी आप जिस तरह बात कर रहे हैं ना तो आई थिंक पहली बात तो ऑफकोर्स ये है ही कि हमें मान लेना चाहिए कि बहुत सी जगहों पे भी आ फेल्ड आई एग्री के जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं करना और शायद आइंदा भी कुछ नहीं करेंगे बट होपुली uh, इसको भी आई थिंक हमें होपलेसनेस में नहीं लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि अगर वो ये कुछ ना करके तो गलत कर रहे हैं तो नहीं अगर वो कुछ ना करके अच्छा। गलत कर रहे हैं तो कम अज़ कम उससे हमारी आंखें खुलें हमारी भी बंद ना हो जाए बिकॉज दे आर गोइंग टू बी आंसरेबल फॉर वाट दे डू जिस भी फॉर्म में दुनिया में या बाद में

यानी अगर हमें लगता है कि मैं एक जियो पोलिटिकल एतबार से भी बात करता हूँ बाहर तो काफ़ी कॉमन लोगों का सबर होता है कि वो चौथे महल फ़लस्तिन में अगर आपको लगता है कि वो आग वहीं रुक जाएगी तो फिर आपको इराक अफ़गानिस्तान फसनिया चचनियाँ ये नहीं नज़र आते म्यांमार तो कोई मुल्क ही नहीं कोई को मानता दुनिया में सीरिया ये ये इराक़ की आपको पता है कितनी बड़ी आर्मी थी डॉक्टर साहबा जब सदार हुसैन की हुकूमत थी कितनी बड़ी वन मिलियन इन्फेंट्री पाकिस्तान की इतनी बड़ी आर्मी नहीं है फन मिलियन इंसानों को इकट्ठा करके किसी महकमे में, में, में भर्ती कर लेना बहुत बड़ी बात है बता तो आप कैन यू इमेजन जब पेपर वर्क होगा वन मिलियन इंसानों का तो दिस वॉज अगर सिक्सटी सेवनटीज की बात है सो वन मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी आज कहाँ है ख़त्म इराक के चार टुकड़े हैं तीन टुकड़े हैं ठीक है ना लिबिया के तीन टुकड़े हैं लिबिया के दो टुकड़ों के अंदर इंसानी बाजार लगते हैं ह्यूमन स्लेव ट्रेड होता है ओपनली ठीक है ना सीरिया के तीन चार टुकड़े हैं तो ये जो ताकत हम ज़मीनी भी इन्जॉय कर रहे हैं ये कुछ और ये काफ़ी यहाँ यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट आती है कि लोग कहते हैं जी आप पाकिस्तान पे फोकस करें आप पाकिस्तान पे फोकस करें क्या पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स से डिवोर्स है <laughs> मतलब उसकी कोई कोई भी डोमेस्टिक पॉलिसी इकोनॉमिक हो किसी भी किस्म की हो क्या वो बाहर के पड़ोसियों से डिवोर्स हो सकती है यानी ये वाइस वर्सा रिलेशनशिप है जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं तो ये आपने जो आयत बताई इसके अंदर एक और चो, सच वो ये है कि हम रिप्लेस ना हो क्योंकि हम उम्मत exactly. के एक साथ, नहीं साथ नहीं साथ साथ साल में में बड़े लीडरशिप रोल रहे हैं चाहे लोग इस बात पे हंसे और ये जो रिप्लेसमेंट वाली बात है ना ये और समझ आती है जिस तरह भी आ, बात हुई थी तो मैं सुमेरा भी मैंशन कर रही थी कि वेस्ट में कितने लोगों ने एहतजाज किया तो एक वो बड़ा जब आप उनके नंबर्स देखते हो जितने ज्यादा लोग वो निकल रहे हैं और फिर ये अगर आप आय सुनो फिर ऑर्डर लगता है तो इस्लाम और वहाँ बिक्रस... पे लोग कितने मुसलमान हो कैला ने उनको इस्लाम के लिए पसंद नहीं कर लिया सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट्स जो हैं यूरोप के अंदर रहे और उनके आप अखलाक देखें उनके आप कारनामे देखें छोटी छोटी पच्चीस तीस तीस साल की जिंदगी में वो अकेडमिया बना जाते हैं इदारे कायम कर जाते हैं ऐसी ऐसी एक्टिविज्म कर जाते हैं कि वो उसकी मिसाल ही क्यों नहीं और ऐसे भी नहीं होते कि सिर्फ वो अच्छे लोग होते हैं यार ग्वानतानों के कैद जेलर्स इतने हैं मतलब सबसे से मरीन सिपाही फौजी वहां से लेके अगर अल्लाह उनको ला सकता है अमेरिका और यूरोप में तो वही ना अल्लाह उन्हीं को ना चुन ले इस काम के लिए कि अगर कोई बाजियाबी करनी है फलस्तिन के लोगों की अगर कोई मिलिट्री एक्शन करना ही है तो वो वहाँ से अपनी कोई मिलिश वगैरह बना के या कोई पोलिटिकल फोर्स करके कर, कर ले देन यहाँ से इवन जो लोग एक बड़ा आर्ग्यूमेंट आता है कि इवन मजाक में आता है चाहे चाहे सीरियसली लोग कहते हैं कि अभी हक कुछ नहीं हो सकता इमाम महदी आएंगे फिर कुछ होगा सो so ये भी एक बड़ा इंतज़ार चल रहा है ना सो so उसका भी इसमें आंसर छुपा है कि अगर वो आ भी जाते हैं तो क्या हम उन लोगों में शामिल होंगे वो वेयर इज अवर प्रेपरेशन जो उनके फॉर एग्ज़ाम्पल साथ खड़े होंगे सो आई थिंक जो कुछ हम अभी कर रहे हैं हम कोई किसी और सिचुएशन में भी वही कर रहे होंगे सो वी रियली नीड टू री थिंक जब भी हमारे बेसिकली लेडीज़ थैंक यू फॉर कमिंग स्पेशली डॉक्टर साहब आपका जो कुरान का शकफ़ है बहुत मुझे तो बहुत सुन के खुशी हुई है और आप इसको रिलेट कर रही हैं अगर आप यूथ से ये इंक्रीजिंगली अगर ये बात कर सकती हैं तो मेरे ख्याल में बड़ा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए बहुत शुक्रिया आपका आने का आ, बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे कुछ ठीक है गुफ्तु एक मैं तरीके से चलती है बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू डिश इट आउट के आप uh, जिस तरह हम ख़ुद प्राइवेट लाइफ में बात करते हैं ड्रैंडों में बैठ के उसी तरह ही हम एक आम फहम गुफ्तगु करें जो लोगों को समझ आए अब क्या नेक्स्ट मूवमेंट्स हैं जो लोग जिन्होंने यहाँ तक सुना है वो बहुत सीरियस लिसनर है तो एक बता दें कि सोशल मीडिया को तो चीज़ें हम अटैच कर देंगे सारी लेकिन कोई अगली कोई कॉल है कोई मूवमेंट है कोई आइडिया है क्या करना चाहिए अगर कोई स्टूडेंट कोई यंग पर्सन सुन रहा है अभी आप लोगों को जी एक तो यह तीन को इन शीन मई जिना कन्वेंशन इस्लामाबाद में बहुत बड़ी यूथ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें हम चाह रहे हैं कि ना सिर्फ नेशनल लेवल के बल्कि इंटरनेशनल भी हम कुछ स्पीकर्स uh, को लाइव लें पूरी है हमारी और उसमें असल में यही है कि हम चाह रहे हैं कि यूथ को बताएँ कि आपका क्या रोल है और सिर्फ वही बात के सिर्फ बातों तक नहीं बल्कि वो जब आएं तो वह एक्टिविज़म को लेकर यहाँ से जाएँ इन इस वक्त हमारा मेन फोकस इसके बाद आज जो हमने लाहौर में एक्टिविटीज़ की बहुत कामयाब हुई अलहमद लाला बहुत से नए लोगों ने कैंपेन को बड़ी बड़ी कहना चाहिए कि बड़ी फिगर्स ने भी ज्वाइन किया हमारी कैंपेन वक्त के, तो के साथ रिवील होती रहेंगी उसके बाद हमारा अगला जो है वो ये कि हम एक कामयाब यूथ कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं और यूथ को ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें आपका हिस्सा है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है और आपके ही करने से कुछ इन होगा और पाकिस्तान का मुस्किल भी आप हैं तो आप ही गजा और फलस्तीन के लिए भी आप ही बात करेंगे और उम्मत के आप ही नुमाइंदा बनेंगे मैं फिर रिकमेंडेशन है सारों को कि प्लीज़ जो क्रिडेंशियल हमने दिए हैं सोशल मीडिया के उन पर आप कॉन्टेक्ट कर लें वहाँ नंबर्स अवेलेबल हैं सेफ गज़ा वालों के आप पास कोई भी आइडिया है कोई भी इनपुट है आप दें पार्टिसपेट करें अपने, अपने अपने शहर में कोशिश करके तीन मई को इस्लामाबाद पहुँचें

और रब्ता करें इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच गाइस थैंक यू थैंक यू